हाई एवरी वन वेलकम टू अन अकेडमी नीट एंड वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच जिसमें हम बेटा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की तैयारी शुरू करने वाले हैं आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ अपडेट आ चुकी है एंड बहुत सारे बच्चे जो अब तक सीरियस नहीं थे नाउ दे हैव प्लान टू बिकम वेरी 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 सीरियस एंड बेटा आज का दिन ना मैं चाहती हूं आप नोट करके रखें कि आज आप कितने जोश में आए थे आज का दिन आप याद करके रखें कि आज मेरे मन में क्या था आज मेरे मन में कितना कॉन्फिडेंस था क्योंकि बेटा मैं चाहती हूं यही कॉन्फिडेंस सात मई तक बस बेटा सात मई तक टुडे इज नाइनटीन ऑफ डिसम्बर एंड सेवेंथ मई तक बस हमने अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है हमने अपने आप में इतनी विल पावर इतनी डेडिकेशन इतना कॉन्फिडेंस भर के रखना है कि यार हर दिन हर दिन हमें लगे कि यार मैं क्रैक कर सकता हूं मैंने सिखाया था तुम्हें देर इज ग्रेट पावर इन मैनिफेस्टेशन जब तक सोचोगे नहीं तब तक तो हो ही नहीं सकता तो आज सबसे पहले जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं जितने बच्चे बेटा इस क्लास को देख रहे हैं वो पहले सोचेंगे कि हाँ मैं नीट क्रैक करके दिखाऊंगा मैं भी कर सकता हूं बिकॉज बेटा यू हैव द पोटेंशियल आप ही तो करोगे और कौन करेगा बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क थोड़ा सा डेडिकेशन थोड़ा सा बेटा अपने अंदर वो अंदर से सिंसेरिटी लेके आनी है वो सीरियसनेस लेके आनी है बेटा नो मैटर आपके टेंथ में कितने मार्क्स आए थे नो मैटर आपने इलेवेंथ कितनी बर्बाद करी थी नो मैटर आपने पिछले 15 दिसंबर तक या जब तक नीट की डेट नहीं आए थे आप क्या कर रहे थे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है बस मैं इतना जानती हूं कि आने वाले अगर तुमने पांच महीने चार महीने अच्छे से फोकस से तैयारी कर ली हमारे साथ बेटा जुड़े रहे रेगुलर क्लास लगा ली प्रैक्टिस सेशन लगा लिए बेटा आपकी सिलेक्शन को कोई और नहीं रोक सकता कोई भी नहीं रोक सकता यस बच्चो So, इसी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं सबसे पहले बेटा सेशन में आए हो सेशन को फटाफट -पड़ से लाइक कर दो ताकि एनर्जी बनती रहे सेशन में और हम आज का प्रारंभ कर पाए आज बेटा शुभ दिन है बहुत ज्यादा शुभ दिन है राइट तो हम बेटा शुरू कर रहे हैं मैंने ऑर्डर आपको कल बताया था ऑर्डर आपका क्या रहेगा पहले क्लास ट्वेल्थ पूरी होगी और उसके बाद बेटा हम क्लास इलेवेंथ की तरफ बढ़ते जाएंगे ट्वेल्थ में भी सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेल्थ एंड उसके बाद रिपोर्डक्शन हमने करना है बस बस अभी तक के लिए इतना एम है रेगुलर क्लास आपकी यहां होगी आपने बस तीन चीजें लेके आनी है बेटा कभी सुना पीपीएफ अकाउंट के बारे में है ना जब आप बड़े होंगे तो आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे पीपीएफ अकाउंट जरूर खुलवा लेना तो यार इस क्लास का रूल भी क्या होने वाला है पीपीएफ क्या करना है आपको पीपीएफ लेके आना है पीपीएफ का क्या मतलब होता है पेन पेपर और फोकस बस आपको पूरी क्लास फोकस करनी है एक एक चीज जो मैं लिखवा रही हूँ वो एनसीआर साथ साथ करते जाना है अगर नहीं बने हुए तो आज बनाइए आज जागिए जब जागो तब सवेरा तुम्हें कुछ नहीं आता कोई बात नहीं आज से मेहनत करते हो देखते हैं लैंड अप होते पहले सोच लेंगे यार नहीं होगा फिर तो नहीं हो सकता हो सकता है तुम ही क्रैक करके जाओगे तुम ही अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करोगे तुम ही शायद अपने शहर में अपने घर में अपने गांव में पहले डॉक्टर बन के दिखाओगे ठीक है बच्चों तो क्या सब बच्चे जोश से फिल्ड हैं या नहीं है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला लेक्चर आज हम करने वाले हैं मैं टाइम नहीं देखूंगी कि कितने समय का लेक्चर है ये एक घंटे का भी हो सकता है डेढ़ का भी हो सकता है दो का भी हो सकता है इट्स ओके आई विल नॉट वॉच द टाइम बट आई विल वॉच योर डेडिकेशन जिस इंटेंसिटी से बेटा आज यहां बैठे हो उसी इंटेंसिटी से आज से दो अभी से दो घंटे बाद भी होने चाहिए कल भी होने चाहिए परसों भी होने चाहिए आप एक क्लास लगा के देखें आप कहीं भी पढ़ते हो मैंने आज सुबह बोला था तुम्हें टेलीग्राम पे आप कहीं भी पढ़ते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने कहीं एडमिशन लिया हो ऑफलाइन ऑनलाइन एनी नहीं भी लिया है लोकल कोचिंग से पढ़ते हैं कहीं से भी पढ़ते हैं बट आप क्लास लगा के देखिए देन डिसाइड करना की मजा आया है, नहीं आया देन डिसाइड करना कि क्लास के बीच लर्न हुआ या नहीं हुआ बायो के लिए सिर्फ मैं तुमसे डेढ़ दो घंटे मांगती हूँ लाइव क्लास मांगती हूँ उसके बाद का समय तुम अपने फिजिक्स केमिस्ट्री को दो बिल्कुल दो मैं खुद बोलती हूँ लिए बायो कुछ नहीं कर सकती बस ये दो घंटे ये डेढ़ घंटा हम एवरी डे इसी समय इसी चैनल पर मिलने वाले हैं इसी फोकस से बेटा क्लास को अटेंड करना यस बच्चों पेन पेपर लेके आए पेन पेपर लेके आए एवरी वन इज विद पेन एंड पेपर प्लीज टेल मी प्लीज टेल मी साथ नोट्स बनाएंगे नोट्स नहीं बनाएंगे तो बात नहीं बनेगी ठीक है जब तक हम लिखेंगे नहीं बायो लर्न में ही हो सकती ये चीज याद रखना बेटा दिखाने को मैं भी तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखा दू बट राइटिंग इज वेरी मच नेसेसरी तो मैं तो तैयार हो गई हूं लिखने के लिए तुम भी बेटा मेरे साथ तैयार हो जाओ जो बच्चे मुझे अभी तक नहीं जानते बेटा मेरा नाम है सीपा आज टाइम आया इंट्रोडक्शन देने का तो आई हैव टोटल प्लस कायर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैंने बहुत बड़े ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाया हुआ है मैं तीन साल से अन अकेडमी के साथ इतने अच्छे ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हूं अब बेटा हर साल इतनी सिलेक्शन हुई है इस साल जो बारी है वो तुम्हारी बारी है ठीक है जी जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक चीज याद रखिएगा

5 पी एम कहाँ होती है अन अकेडमी की ऐप पर होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है प्रैक्टिस क्वेश्चन पोल बेस्ड फॉर्मेट में करेंगे तो इस क्लास में साइमिलटेनियसली आप एनरोल कर लीजिएगा और बेटा जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उस चैप्टर का हम ट्रेंड देखेंगे कि यार पिछले सालों में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यार ट्वेंटी ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी और पिछले पांच सालों का ट्रेंड बेटा मैं आपके सामने लेकर आई हूं अगर हम देखें तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2019 और 2017 में में एक एक सवाल आया था देन फर्टिलाइजेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्वेंटी परमेटोजेनेसिस इसका बेटा आप ट्रेंड ये देख रहे हैं कि किस में से कितना सवाल आपका आया है अगर मैं देखू ट्वेंटी में तो टोटल कितने सवाल आए थे तीन अगर मैं देखू ट्वेंटी में तो टोटल बेटा इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे फोर यानी कि ऑन एवरेज लेकर जाए ऑन एवरेज अगर हम लेखें तो इस चैप्टर में से आपके पास चार क्वेश्चन मैक्सिमम देखे गए हैं चार क्वेश्चन का मतलब कितना नंबर होता है फोर इंटू फोर सिक्सटीन मार्क्स बेटा आपके इसी चैप्टर से आएंगे सिक्सटीन ट्वेल्व टू सिक्सटीन मार्क्स बेटा आप ये दो क्लासेस में आज की और कल की क्लास लगाकर पूरे कर सकते हैं तो बेटा रेडी फॉर दीज सिक्सटीन मार्क्स यस बच्चों मैंने बोला था यार आज हिस्ट्री क्रिएट होगी तो आज हिस्ट्री क्रिएट होगी मेरे बच्चे बेस्ट सेशन अटेंड करके जाएंगे बेस्ट लेक्चर अटेंड करके जाएंगे एंड वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट बेटा जो आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग में देख लेना बेस्ट कंटेंट चलिए शुरू करें सिक्सटीन मार्क्स के लिए बेटा रेडी है एवरी वन यस फटाफट से बेटा सेशन को कर दो लाइक like, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं yes. ओके okay. शुरू करते हैं बेटा जी कहां से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आ जाओ भाई कॉपी पेन खोल लो अब रुकना नहीं है चैप्टर का नाम है जो कि 16 नंबर का आपका टोटल चैप्टर है दिस इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखिए ये ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का नाम ही है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्मी ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसमें स्पेसिफिकली हम ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे और आप जानते हैं ह्यूमंस किस टाइप की रिप्रोडक्शन करते हैं अगर मैं बात करूं बेटा ह्यूमंस में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की देन ह्यूमंस बेटा दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना बेसिक बेटा आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस का जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यहां पर देखा जाए तो मेल एंड फीमेल सेक्स बिल्कुल सेपरेट है

पहला स्टेप होता है ग्यामिट्स बनना यस बाई पेरेंटल है दो पेरेंट है एक मेल पेरेंट है एक फीमेल पेरेंट है पहला स्टेप होगा बेटा ग्यामिट्स बनना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्यामिटो क्या बोलते हैं बच्चों ग्यामिटो यानी कि मेल गैमी मेल पेरेंट अपना ग्यामिट बनाएगा हेयर द गमिट इज गोइंग टू बी द स्पर्म फीमेल पेरेंट अपना गैमिट बनाएगा हेयर द गमिट इज गोइंग टू बी ओवा ठीक है जी Gametogenesis हुई Gametogenesis के बाद अब मेल को किसी तरीके से फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है है क्योंकि ह्यूमंस में बेटा इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होती क्या होती क्या तो यार किसी तरीके इज गोइंग टू ट्रांसफर ऑफ इनसेमिनेशन क्या बोलते हैं बेटा इसको इनसेमिनेशन बोलते हैं इनसेमिनेशन होने के बाद जो मेल है वो फीमेल की बॉडी में चला गया फीमेल की बॉडी में जाकर बेटा दोनों क्या करेंगे फ्यूज फ्यूज करेंगे Fuse करने के प्रोसेस को बेटा जी बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे बेटा दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एक बारी हो गई तो तुम्हारे पास सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको तुम क्या बोलते हो जाएगॉट

और प्लांटेशन के बाद बेटा प्रेगनेंसी की ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट होती है ह्यूमंस में बेटा डेज की है वो जो पूरा टाइम पीरियड है ना द होल टाइम पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी जिसमें एक से एक से फुल यंग वन बन जाता है दिस इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड क्या बोलते हो जेस्टेशन पीरियड और जेस्टेशन पीरियड के बाद द बच्चा इज रेडी टू बी डिलीवर्ड एंड द डिलीवरी इन बायोलॉजी बायोलॉजिकल टर्म्स में बेटा डिलीवरी को क्या बोलते हैं हम डिलीवरी को बेटा जी बोला जाता है पार्चुरेशन क्या बोला जाता है पार्चुरेशन तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पांचों जो छो मैंने लिखे हैं ये क्या है स्टेप्स हैं क्या क्या हुआ ग्यामीट बने ट्रांसफर ट्रांसफर हुए फीमेल की बॉडी में होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई के बाद अटैचमेंट हुई अटैचमेंट के बाद ये पूरा प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड एंड देन अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू लीड टू द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड एंड द डिलीवरी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन ये पांच स्टेप इन ऑर्डर याद रखेंगे आपको क्वेश्चन बेटा यहां से आ सकता है वो ऑर्डर हेर फेर कर सकते हैं उल्टा उल्टा नहीं करना ऐसे मत कर देना बेटा प्रेगनेंसी

देखिए बेटा कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो मेल हो या फीमेल हो दो चीजों की बेटा हमेशा हमने बात करनी है एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दो टाइप के सेक्स ऑर्गन फीमेल में भी पढ़ाऊंगी मैं आज ही पढ़ाऊंगी तो मेल रिप्रोडक्टिव में भी बेटा दो तरीके के सेक्स ऑर्गन होंगे ये होंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड और, और क्या होंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ठीक है जी

जहां पर गैमिटोजेनेसिस भी हो रही है सेक्स हॉर्मोन भी हो रहा है कौन सा है हाँ बहुत बड़े गुड एंड्रोजन मेजर एंड्रोजन जो हम पढ़ते हैं दैट इज गोइंग टू बी टेस्टोस्टेरोन एब्सोल्युटली राइट सो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहां पर गैमिटोजेनेसिस हुई क्या क्या हुआ बच्चों गैमिटोजेनेसिस हुई और बेटा यहां पर आपका सेक्स हॉर्मोन्स भी आए क्या रहेगा बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज गोइंग टू बी देयर ऑफ टेस्टिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बेटा जो बाकी का काम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे कंडक्शन कराएंगे पॉपुलेशन कराएंगे तो ये सारा काम यानी कि कंडक्शन का काम किसका काम कंडक्शन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा कॉपुलेशन के द्वारा हम इनसेमिनेशन करते हैं कॉपुलेशन का काम ट्रांसपोर्टेशन का काम ये सारा काम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कराएंगे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएगा पेयर ऑफ टेस्टिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आएगा बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बड़ा सारा सामान है तुम सोच रहे हो क्या क्या आएगा देखिए इसी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आएंगे एक्सेसरी डक्ट्स कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डक्ट पढ़ेंगे बेटा हम इसके अंदर आएंगे बेटा जी ग्लैंड बहुत सारे ग्लैंड आएंगे तीन तरीके के मेजर ग्लैंड है और इसके अंदर आएगा हमारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल यस यस बच्चों yes. तो आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हमने दोनों चीजें पढ़नी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड देन विल मूव ऑन टू सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो शुरू किया जाए बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से यस yes, बेटा बताइए शुरू करें यस स्टार्टिंग विद द पेयर ऑफ टेस्टिस हाँ जी पेयर ऑफ टेस्टिस देखिए बेटा टेस्टिस की बात करें तो सबसे पहले साइज हमारी एनसीईआरटी देती है तो यार साइज तुम्हें एज इट इज याद करना पड़ेगा साइज की बात करें तो फोर टू फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ है फोर टू फाइव सेंटीमीटर ये याद कर लो यार फोर टू फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ एंड टू टू थ्री सेंटीमीटर इन गोइंग टू बी विड्थ ओके जी इतना याद कर लो नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट टेस्टिस देखिए टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है एक मेल के अंदर जनरली नॉर्मल मेल के अंदर कितने टेस्टिस होते हैं बेटा दो टेस्टिस होते हैं अगर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मतलब गैमिटोजेनेसिस भी यही हुई स्पर्मेटोजेनेसिस भी यही हुई मतलब स्पर्म्स बेटा यहां पर बनेंगे ठीक है जी अब जो टेस्टिस है वो मेल की बॉडी के अंदर नहीं है बेटा दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द मेल बॉडी यस इन अ पाउच दैट पाउच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम बेटा टेस्टिस को जान के बॉडी के बाहर रखा जाता है देखो ये बनता तो बॉडी के अंदर है जब मेल बन रहा होता है ना जब मेल मम्मी के वूम में होता है जब उसकी फॉर्मेशन हो रही है जब वो फीटस था जब वो एम्ब्रियो था जब उसके अंदर टेस्टिस बन रहा था बेटा बना तो टेस्टिस उसके पेट में एबडोम में बना बट ड्यूरिंग सेवेंथ मंथ ऑफ जेस्टेशन कब सेवेंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब थी तब बेटा उसका टेस्टिस एबडोम से निकलकर कहां पर आ गया नीचे स्क्रॉटम में आ गया भैया ऐसे क्यों किया बॉडी से बाहर क्यों निकाल दिया इसको बेटा इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है है क्यों क्योंकि बेटा स्पर्म फॉर्मेशन जो है ना उसको बॉडी से दो डिग्री ढाई ढाई डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है तो बॉडी के अंदर रखेंगे तो उसे टेम्परेचर नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो स्पर्म नहीं बनेंगे इसी वजह से बेटा टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच एंड द पाउच इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम ठीक है है जी सो so, टेस्टिस बेटा एक स्ट्रक्चर दो होंगे एंड द लोकेशन इज आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड आउटसाइड बेटा किसके अंदर प्रेजेंट है एक पाउच के अंदर एंड इस पाउच का क्या नाम है ठीक है जी अब बने तो कहां थे बेटा टेस्टिस कहां बने थे एबडोम में कहां बने थे एबडोम में बेटा फिर एबडोमिन से चल के आए यस इनको सातवें महीने में नीचे को डाल दिया गया नीचे किसके पास डाल दिया गया

this is your testis इसको बेटा मैं टी लिख देती हूँ. टेस्टिस है यस yes, बेटा इंग्युनल कैनाल से होते हुए ये बेटा नीचे आ गए अब जब बेटा नीचे आ गए तो कैनाल को खाली थोड़ा भर देंगे इस कैनाल के अंदर बेटा बहुत सारा सामान भर दिया है इस कैनाल के अंदर स्पेशल टाइप की मसल्स हैं इस कैनाल के अंदर से ब्लड वेसल निकलेंगी इस कैनाल के बेटा अंदर से आपकी डिफरेंस जाएगी लूप होते हुए तो यानी कि इस कैनॉल को अल्टीमेटली बाद में भर दिया जाता है और यह बन जाती है यह बन जाती है स्पर्मेटिक कॉड द केनॉल कैनॉल कन्वर्ट्स इनटू स्पर्मेटिक कॉड सम, समझ गए बेटा सातवें महीने में टेस्टिस तो नीचे आ गया लेटर ऑन बेटा एवरीथिंग विल गेट फिल्ड ब्लड वेसल लिम्फ वेसल नर्व्स आपके क्रमास्टर मसल्स आपका इसी के अंदर बेटा भर जाएगा और इसका नाम क्या बदल जाएगा इसका नाम हम रख देंगे कॉर्ड अब टेस्टिस को इस क्रॉटम के बेस से कैसे जोड़ के रखें सोचने वाली बात है इस टेस्टिस को इस क्रोटम के बेस से बेटा एक फाइब्रस कॉर्ड जोड़ के रखती है जिसको हम बोलते हैं ग्यूबर क्या बोलते हैं ग्यूबर नैक्युलम ये कुछ नहीं है नैक्यूलम ये बेटा एक मिजोर्कियम है इसका मतलब होता है डबल पोल्ड ऑफ पेरिटोनियम क्या मिलेगा डबल पोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बेटा जो बच्चे कह रहे हैं ना पीडीएफ पीडीएफ बेटा खुद नहीं लिखोगे जब तक अपना हाथ नहीं उठाओगे बेटा कलम उठानी बहुत जरूरी है और इस कलम में बहुत शक्ति होती है जब तक आपने कलम नहीं उठाई ना बेटा बात नहीं बन सकती बायोलॉजी में इतना याद रखना बायो में बात तभी बनेगी जब बेटा इस कलम से खुद से आप काम करोगे तो कॉपी पेन उठाओ नोट्स बिल्कुल मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे खोज लेना कोई डिफ, डिफिकल्ट नहीं है एक लाख से ऊपर बच्चे बेटा उसमें रेगुलर अपडेट्स ले रहे हैं पीडीएफ ले रहे हैं पीडीएफ में दूंगी टेलीग्राम पर ही दूंगी बट बेटा हाथ से लिखो हाथ से लिखिए साथ साथ लिखिए तभी बात बनेगी ओके okay, बेटा जी ग्यूबर नाकिलम राइट right? अब बात करते हैं बेटा हमारे अंदर तो टेस्टिस बॉडी के बाहर है क्या है बॉडी के बाहर बताया ना अभी क्योंकि सेवेंथ मंथ में आपको इसको नीचे लेके आना पड़ेगा तो यार टेस्टिस को क्या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा एबडोमिनल टेस्टिस यस और नो बताओ कैन वी से दैट ह्यूमन टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एबडोमिनल एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर बाहर है तो एक्स्ट्रा एबडोमिनल हुई लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म में एक्स्ट्रा नहीं होती देर आर सर्टेन एनिमल्स देर आर सर्टेन इन ऑर्गेनिज्म जिसमें बेटा इंट्रा टेस्टिस भी हैं इंट्रा एबडोम टेस्टिस भी हैं मतलब बॉडी के अंदर एबडोमिन के अंदर मारो तो एबडोम से बाहर है एबडोमिन के अंदर भी है बेटा उस इंट्रा इंट्रेबडोमिनल में आता है वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल दिस इज एलिफेंट एलिफेंट के अंदर और कौन आएंगे बेटा एक्वाटिक मैमल्स एक्वाटिक मैमल्स ओके बच्चों जैसे कि वेल ठीक है सील इनके अंदर बेटा टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के अंदर है और बताऊं कुछ ऐसे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं कि जब बेटा सीजन आएगा उनकी ब्रीडिंग का तो टेस्टिस बॉडी से बाहर आ जाएगी जब सीजन चला जाएगा टेस्टिस वापस अंदर चली जाएगी ये भी है यार ऐसा किसमें देखा गया बैट्स में देखा जाता है कि जब जरूरत पड़ती है सीजन आता है तो टेस्टिस बॉडी के बाहर आती है और जब सीजन चला जाता है बेटा

अगर ये नहीं हुआ तो बात तो आती है कि यार होना तो चाहिए था. जिसमें बेटा मंथ में टेस्टिस नहीं पाती है नहीं आ पाती है फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम एबडोम टू स्क्रॉटम फेलियर ऑफ टेस्टिस बेटा नहीं हो पाया कुछ डिसऑर्डर को बोलते हैं और अगर बेटा टेस्टिस, में नहीं आए तो टेम्परेचर नहीं मिला टेम्परेचर नहीं मिला तो स्पर्म नहीं बनेंगे स्पर्म नहीं बनेंगे तो बेटा male, है ना? तो उस का नाम याद रखेंगे उस डिस नाम याद रखेंगे दिस इज कॉल्ड एज क्रिप्टोर क्रिप्टोर किडिज्म क्या होता है क्रिप्टोर दिस इज फेलियर 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 ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड टू डिसेंड फ्रॉम कहां से कहां बेटा फ्रॉम एबडोम टू स्क्रॉटम एबडोम टू स्क्रॉटम इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोर केडिजम याद रख लो जी बेटा उस केस में मेल क्या होगा द मेल इज गोइंग टू बी स्टराइल मेल है ना जी अगर तो हो गए तो फर्टाइल अगर नहीं हुए तो बेटा स्टेराइल और बेटा आउटसाइड क्यों रखा क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को टेम्परेचर बड़ा लो चाहिए था कितना लो स्पर्म बनाने के लिए बेटा हमें टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है लोअर देन द बॉडीज टेम्परेचर ठीक है ये वैल्यू याद रखेगा दो से ढाई डिग्री बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए तभी जाकर स्पर्म बनेंगे और अगर बेटा ये नीचे नहीं आया तो स्पर्म नहीं बन पाएंगे दैट डिसऑर्डर वुड बी कॉल्ड एज क्रिप्टोर किडिज्म अच्छा अब यार चलो टेस्टिस तो आ गए बाहर बट यार बाहर का टेम्परेचर भी तो इन टेस्टिस के स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट कर सकता है, है ना ठंड के वक्त बेटा आम, ठंड के वक्त हो सकता है ज्यादा लो हो जाए बाहर दिसंबर का महीना चल रहा है या जनवरी चल रही है गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आप डेजर्ट कंडीशन में हो और जून जुलाई का महीना चल रहा है तो यार हो सकता है हाई टेम्परेचर हो जाए बाहर होने के बावजूद यानी कि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हमें बाहर के हिसाब से भी टेस्टिस को एक प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर देना है उसके लिए बेटा हमारे पास दो सेट्स ऑफ मसल है एक तो मसल बेटा इसके अंदर घुसी हुई है यहां पर यस, सच मसल दिस मसल इज कॉल्ड एज क्रिमास्टर मसल मसल ही करेगा ना बेटा ये काम ये है क्रिमास्टर मसल और बेटा दूसरी मसल यहां जो टेस्टिस को स्क्रॉटम की वॉल से जोड़ता है दिस कॉल्ड मसल दो मसल के नाम बता रही हूं बेटा क्रिमास्टर मसल एंड डाटोज मसल इन दोनों का पर्पज पता क्या है कि जब बाहर सर्दी है तो स्क्रॉटम को बॉडी के नजदीक ले आना ताकि उसको प्रॉपर हीट मिले ताकि उसको प्रॉपर हीट मिले और स्पर्मेटोजेनेसिस चलती रहे टेम्परेचर ऑप्टिमम रखने के लिए और जब बहुत हीट कंडीशन है तो बेटा स्क्रॉटम को बॉडी से दूर लेके जाना ताकि जो एक्स्ट्रा हीट है वो रिलीज करे और ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए ठीक है तो दो मसल्स मैंने तुम्हें बताए कौन से मसल्स बताए एक बताया बेटा मैंने क्रेमास्टर जो तुम्हारे स्पर्मेटिक कॉर्ड में है याद रखेंगे क्रेमास्टर मसल और दूसरा मसल कौन सा बताया डाटोज मसल जो स्क्रॉटल वॉल पे है डाटोज मसल दोनों का काम क्या है बेटा अलग अलग सीजन में हेल्प करना जैसे अगर बात करें विंटर्स में विंटर्स में बेटा दे विल ब्रिंग स्क्रॉटम टू तो द बॉडी हीट रिटेन करनी है ना सो so, विंटर्स में दे विल ब्रिंग स्क्रोटम टूवॉर्ड्स तो बॉडी ठीक है बॉडी की तरफ लेके आएंगे and if i talk about summers summers beta they will take scrotum away from the body theek hai bachcho away from the body clear hua clear beta testis ka concept clear bata do ek bari फटाफट से बता दीजिए इतना clear हुआ कि नहीं हुआ हाँ ओहो हितेश को बड़ा दर्द हो रहा है यार ये तो एनसीआरटी में नहीं है क्या करें क्यों करा दिया ओहो ओहो बेटा पीवाई क्यूज नाम की चीज सुनिए कि नहीं सुनिए एन सी में आपको मैं ना कुछ चैप्टर्स बताते हुए जेनेटिक्स ह्यूमन फिजियो रिप्रोडक्शन ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं बेटा जिसमें थोड़ा सा बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं उतना ही बाहर जाऊंगी जितने में से बेटा सवाल आ सकता है तो यार टेक्शन भी करोगे कि नहीं करोगे एनसीआरटी ओरिएंटेड क्लास है एनसीआरटी रीडिंग क्लास नहीं है बेटा रीडिंग नहीं है ओरिएंटेड है कि जिन जिन चीजों के बारे में बेटा बात 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 कर रहा है अब ने बात किया कि में में होता है अब अब ने किया कि में मेंटेन होता सर्दी गर्मी की बात नहीं की नहीं तो तुम नहीं बताओगे क्या सर्दी गर्मी में कैसे हो रहा है बेटा थोड़ा सा अपने एवेन्यूज को ना खोल के रखो बिल्कुल लाइन टू लाइन तुम्हें एनसीआरटी तभी समझ आ सकती है अगर थोड़ा सा बियॉन्ड तुमने समझा हो उसको क्लास में थोड़ा सा अपने माइंड को बेटा ओपन करके रखो Human physio, human reproduction ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता और यार ये चीजें तो तुमने एमबीबीएस में भी करनी है ठीक है तो थोड़ा सा बेटा एवेन्यूज को ओपन रखो भरोसा रखो हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इतना कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन बेटा तुम्हारा गलत नहीं होगा एक भी क्वेश्चन बेटा गलत नहीं होगा ठीक है जी और यार कोई मॉड्यूल आ जाए तुम्हारे सामने कोई मॉक टेस्ट आ जाए इधर का ऑल इंडिया टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज इधर इंडिया मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए कि वो कहीं के भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में टॉप हंड्रेड में आ पाए और वो तभी हो पाएगा बेटा जब हम सारी रेलिवेंट चीजें डिस्कस करेंगे सारी रेलिवेंट चीजें बेटा डिस्कस करेंगे ठीक है तो थोड़ा सा बेटा खोल के बैठो बायो है आसान नहीं है लेकिन दिल से करोगे यहीं पर लर्न करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा डेफिनेटली हो जाएगा ठीक है जी यस yes? ओके okay जी बहुत सारी चीजें बेटा आप नई सीख के जाएंगे आज की क्लास में मैं तुम्हें बताऊं यू विल लर्न मेनी न्यू थिंग्स एंड यू विल टेक अवे अलॉट फ्रॉम दिस सेशन अलॉट फ्रॉम दिस सेशन एनसीआरटी भी दिखाऊंगी तुम टेंशन मत लो लेकिन जब तुम ये करके जाओगे ना तुम्हें एनसीआरटी के एक लाइन का बेस पता होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है बेटा सुपरफिशियली रट्टे थोड़ा मारोगे एनसीआरटी के रट्टे नहीं बजते बेटा उसका बैकग्राउंड पता करने के लिए आपको ह्यूमन फिजियो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेस पता होना चाहिए और ये बेस बेटा तुम्हारा यहीं से बनता है जिसने ये बेस नहीं सीखा ना वो कितना रट्टा मारने की कोशिश कर ले कितनी पढ़ ले उसको लर्न नहीं लर्न नहीं नहीं होगा वो चीज हो सकता आपको ये बैकग्राउंड ये बेस जानना बहुत जरूरी होता है तो बेटा हम बेस बना रहे हैं बेस बना रहे हैं तुम टेंशन मतलब इस चीज की मैम के ऊपर छोड़ो अगर एक दो लाइन एक्स्ट्रा जा रही है तो वो बेटा तुम्हारे भले के लिए जा रही होंगी ठीक है भले के लिए जा रही होंगी अब चलते हैं बेटा

वही अंदर को जाकर ये खांचे बना रही है सो द आउटर वॉल ऑफ टेस्टिस जो खांचे बनाएगी उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया ये ट्यूनिका एल्बुजीनिया बेटा अंदर की तरफ इमेजिनेट हुई अंदर की तरफ धसी और उसने बहुत सारे बेटा कंपार्टमेंट्स बना दिए उन कंपार्टमेंट्स को बेटा हम क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल मैं देख रही हूँ यार कुछ बच्चे वर्ल्ड कप से बाहर नहीं आए हैं अभी आई कैन सी बेटा आई कैन सी ये मेसी की जो बातें चल रही हैं यस yes, बेटा ये जो मेसी की बातें चल रही हैं आई कैन सी यस ये देखो खांचे बन रहे हैं बेटा टोटल वैसे खांचे पता कितने होते हैं टोटल खांचे होते हैं 250 फिफ्टी टू फिफ्टी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बट बेटा यहाँ पे 250 तो नहीं बना सकते तो यहाँ पर मैंने तीन चार ही बनाए समझ जाना इस तरीके से 250 खांचे हैं ये जो खांचे बने हैं ये कैसे बने हैं खांचे मतलब कंपार्टमेंट्स लोब्यूल्स ये डिवाइड हुआ है बेटा इसकी आउटर वॉल ने अंदर धस के बनाया है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया यस दिस आउटर वॉल इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजीनिया ठीक है ट्यूनिका एल्बुजीनिया ठीक है जी अंदर की तरफ गए अंदर की तरफ जाने के बाद इसने बनाए ये लोब्यूल्स इनको बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यस yes, क्या बोल देंगे बेटा जी इनको टेस्टिकुलर साथ साथ बनाएंगे बेटा मेरे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने बनते हैं बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू फिफ्टी तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया टू फिफ्टी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अब एक लोब्यूल के बारे में बात करेंगे हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट है

स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेमिनिफेर ट्रिब्यूल साथ लेबल कर रहे हैं टिब्यूल ठीक है जी कितने लखोगे टू टू थ्री पर लोब्यूल टू टू थ्री पर लोब्यूल एक लोब्यूल के अंदर दो से तीन होंगी हर सेमिनिफेरस टिब्यूल से हर सेमिनिफेरस टिब्यूल से बेटा निकलेगी एक छोटी सी डक्ट ये देख रहे हो येस yes. यहाँ पे मैंने एक एक बनाया है तो एक एक डक्ट निकाल दिए बेटा यस दिस डक्ट इज कॉल्ड एज ट्यूबलाई रेक्टाई सा समझते जाओ सासा ड्रॉ करते जाओ ये जो छोटी सी डक्ट निकली है इसका नाम है ट्यूबलाई रेक्टाई ट्यूबलाय रेक्टाई ये लंबा कर लो थोड़ा सा ये देख लो ठीक है जी ट्यूबलाई रेक्टाई आ गई अब बेटा ये ट्यूबलाई रेक्टाई सारी जुड़ जाएगी जोड़ दो ऑल द ट्यूबलाई रेक्टाई विल जॉइन टू फॉर्म अ नेटवर्क एक बेटा बहुत बड़ा सा नेटवर्क बन जाएगा इस नेटवर्क को बेटा जी हम बोलते हैं रिटे टेस्टिस यस दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज रिटे टेस्टिस दिख रहा है रिटे टेस्टिस इधर आ जाती हूं मैं हां बेटा यस कम ऑन यहां तक का रॉक समझ आया मैंने क्या किया है

एपिडाइमस के तीन हिस्से सर पैर और धड़ सर को बोला है कैप्यूट कैप्यूट पूरी की पूरी बॉडी को बोला है कॉर्पस और बेटा नीचे वाले हिस्से को बोला है कॉडा ठीक है जी ये तीनों मिलके क्या बनाए एप्रीडाइमस और एप्रीडाइमस के बाद निकलेगी डिफरेंस डिफरेंस ओके जी यस दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस बच्चे कौन है अरिका बेटा तीन तो है ना तुम एक से तीन ले लो दो से तीन ले लो कितनी भी ले लो भैया दो से तीन एक से मैक्सिम है मैक्सिमम तो तीन रहेगी मिनिमम जीरो है जीरो तो नहीं हो सकता या तो एक है या दो या तीन है मैक्सिमम तीन ही है बेटा है ना मैक्सिमम तीन ही है यस बच्चो ठीक है जी तो ये बेटा आपकी एपडी डायमस है डायमस के मैंने तीन हिस्से बताए हैं ओके जी हाँ जी अब इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे पूरे डायग्राम डायग्राम में 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 एक्चुअल फॉर्मेशन होती कहां है सोचने वाला बात है यार बात तो कर रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की स्पर्म बनते कहाँ होंगे तो तुम बोलोगे स्पर्म पते कहाँ बनते हैं इसके अंदर यस ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये कॉइल्ड सा साइट ऑफ स्पर्मेटो के अंदर स्पॉम का फॉर्मेशन का साइट पता है कहां है सेमिनिफेरेस्टिब्यूल तो सेमिनिफेरेस्टिब्यूल इज द एक्चुअल साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इसी के अंदर बेटा क्या बनेंगे स्पॉम्स बनेंगे तो याद रहेगा स्पर्मेटो जेनेसिस ओके वैसे तो तीन लेयर्स होती हैं विजाइनालिस भी होती है एल्बुजीनिया भी होती है वैस्किलोजा भी होती है बट उतना तो बाहर में नहीं जाऊंगी नहीं तो तुम और रोना शुरू कर दोगे और रोना शुरू कर दोगे एलेस ऑफ टेस्ट इज डन बेटा ये सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे टेंशन नहीं लेना टेंशन नहीं लेना यस बेटा हार्ट के ना वो वो कम हो रहे हैं मेरे पास हार्ट वाली इमोजीज कम हो रही है मुझे लग नहीं रहा कि इस सेशन में आग लग रही है आग लग रही है कि नहीं लग रही यस कम ऑन बेटा कम ऑन आग लगना कम नहीं होना चाहिए हाँ जी बेटा बोर्ड्स में आप यही ड्रॉ करके आइए आपका एक नंबर कम नहीं होगा मैम पांच में से छह नंबर दे के जाएंगी तुमको। में आप बेझिझक ये वाला डायग्राम बना सकते हैं बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है यस दिस इज द बेस्ट डायग्राम आप अगर एनसीईआरटी में से भी देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा बट थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं वो लेकिन मैंने तुम्हें इतना सिंप्लीफाइड बनाया है कि अगर तुमसे वो पूछ ले इंट्रा एब्डोमिनल इंट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम क्या है बाहर क्या है टेस्टिस के अंदर कहा तक है बेटा इफरेंशिया तक है और बाहर कहां पर है ये सब बाहर है वास्ट सब बाहर है टेस्टिस के अंदर का मामला यहां तक है ठीक है यहां तक है यस ठीक है और बेटा सेशन को फटाफट से लाइक भी कर दो यस यस ठीक फटाफट से यार सेशन को लाइक कर दो क्योंकि अब हम जहां स्पर्म बनते हैं ना उसका स्ट्रक्चर करने वाले हैं यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेटा आप में से कितने बच्चे हैं जो अभी शायद उस लेवल पे नहीं है लेकिन इस साल नीट क्रैक करना चाहते हैं ऑलमोस्ट सारे हाथ खड़े करो हाथ खड़े करो यार कितने बच्चे हैं कितने बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट पता नहीं उनको थोड़ा सा कभी कभी पहले डाउट था उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे मॉक टेस्ट में लेकिन बेटा इस साल वो चाहते हैं कि मैं अपने अगले चार महीने अगले चार महीने इतने बेस्ट दूं कि मैं नीट क्रैक कर जाऊं यस बताओ

सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा सूरज जैसा जलना है तो सूरज सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा क्या मतलब है बेटा इसका मतलब है कि वो चीज तुम्हें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आज तक तुमने नहीं करी तुम्हें उतना तप करना पड़ेगा तुम्हें उतनी हीट के अंदर हीट से समझा करो बेटा जब मन नहीं कर रहा तब भी पढ़ाई करनी है नींद आ रही है तब भी पढ़ाई करनी है शादियां हो रही हैं फंक्शन हो रहे हैं तब भी उनको छोड़कर बेटा आपका फोकस रहना चाहिए नदियों से से आदर पाना है 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 तो पर्वत छोड़ निकलना होगा यानी कि जिस इसका मतलब ये नहीं है बेटा घर निकल जाना है और पर्वतों पे पहुंच जाना है नहीं बेटा वो मतलब नहीं है इसका मतलब ये है कि जो चीजें आज तक, तक तुम करते आ रहे थे जो गलत आदतें तुम्हारी अंदर थी जो तुम्हें नीट क्रैक करने से रोक रही थी उन गलत आदतों के ऊपर बेटा तुम्हें विजय पाना है उसके ऊपर विजय पाना है और हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी है ना आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी कुर्बानी दे रहे हैं बेटा आपको किताबें लाकर देना आपके लिए इंटरनेट कनेक्शन लगवाना हो सकता है आपने कहीं ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कहीं और पैसे दे रखे होंगे ये सब बेटा आपको तब दर्द समझ आएगा वेन यू विल स्टार्ट अर्निंग एक एक रुपए का बेटा हिसाब तब समझ आएगा जब आप खुद कमाई करना शुरू होंगे ठीक है तो हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचें कि राह सरल होगी कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा हो सकता है बेटा हमें समय लगे हो सकता है आप ड्रॉपर हो आपने एक साल और एक्स्ट्रा लगाया हो हो सकता है आप सेकंड ड्रॉपर हो आपने दूसरा साल आपका एक्स्ट्रा चल रहा है तो हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि रहा सरल होगी कुछ ज्यादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा हर एक मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा हर एक मुश्किल का हल होगा बेटा आज नहीं तो कल होगा तुम आज के मॉक टेस्ट में नहीं स्कोर कर पा रहे हो तुम कल वाले में करोगे तुम कल में नहीं कर पाओगे तुम परसों में करोगे तुम एक दिन विजय होगे लेकिन बस वही बात है बेटा मेहनत रुकनी नहीं चाहिए सात मई तक सात मई तक सब चीजें त्याग के बेटा अपना एक एक दिन तुम बायो का इस क्लास में लगाओ बेटा आई विल मेक श्योर कि थ्री सिक्सटी से नीचे नंबर तुम्हारे आ ही नहीं सकते आ ही नहीं सकते ठीक है तो अब किसी के तप को खाली नहीं जाने देंगे ना आपके पेरेंट्स के तप को खाली जाने देंगे ना तुम्हारे तप को ये तप है बेटा तुम रोज आओ सुबह सात बजे उठ के फिजिक्स का क्लास लगा रहे हो रात को आठ बजे बेटा केमिस्ट्री का क्लास लगाओगे रोज बारह बजे यहां क्लास लगाओगे ये तप है ये तुम्हारा तप है तुम्हारे पेरेंट्स का भी तप है जो तुम्हें ऐसा एनवायरमेंट दे रहे हैं तो किसी के तप को बेटा वेस्ट नहीं जाने देंगे हर एक संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा यस बच्चों तो उसी एनर्जी के साथ बेटा करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल मैंने बोला था मैक्सिमम तीन हो सकते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर तो तीन मैं बना दू फिर यस यस सो आई एम ड्रॉइंग थ्री टेस्टिकुलर लोब्यूल ध्यान देना बेटा मैं आपको एक बात बता दूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबसे बेस्ट कि स्ट्रांग टीम पूरी तिगड़ी वो त्रिमूर्ति बोलते हैं ना वो तुम्हें इस बैच में मिलेगी तो जब बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हमारी स्ट्रांग होने लगते हैं तो हम इस चैनल को क्यों छोड़ के जाए नहीं छोड़ के जाएंगे तो सबसे पहले तो बेटा सेशन को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहां से हिलना नहीं है किसी ने तुम्हें मैं बायो क्लास में लर्न करा के जाऊंगी बाकी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम दो और एक क्लास लगा ले आ जाना पांच बजे की स्पेशल क्लास प्रैक्टिस क्लास जो कि रोज होएगी अपनी बस इतना समय बायो को बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी तुम्हारी रिविजन इतना कर लिया बेटा यू आर सॉर्टेड ठीक है जी चलो सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल के बारे में बेटा बात करते हैं तीन होते हैं तो मैंने एक पूरा बना दिया एक दो बनाएं। बात एक ही होगी। अब एक के अंदर ध्यान से तो सबसे पहले मुझे मियॉटिक डिविजन होगा मदर सेल तो सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल इज लाइन बाय डैश एपिथिलियम जो तुम बताओगे इट इज लाइन बाय डैश एपिथिलियम विच विल फंक्शन एज बच्चों बताएं मैंने डैश छोड़ा है बेटा बीच में और मैं बना भी रही हूँ उस शेप को और मैं हिंट भी दे रही हूँ बेटा उस शेप का यस ियम बच्चों में दी सेल्स आर कॉल्ड एज दी सेल्स बेटा जी देस आर कॉल्ड एज स्परमेटोग क्या बात है स्पर्मेटोग ये बेटा एनिमल टिश्यूज में अपने लोग पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया इज टाइप ऑफ इट इज अ टाइप ऑफ बेटा जी जर्मिनल एपिथेलियम है ना ये क्या है जर्मिनल एपिथेलियम और बेटा ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसका शेप कैसा होता है शेप कैसा होता है बेटा क्यूबॉइडल वेरी गुड बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और ये ही क्यूबॉइडल एपिथेलियम आगे क्या करेगा मिओसिस करेगा ठीक है करेगा और अल्टीमेटली बेटा क्या बना लेगा ये ऐसे फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स बना लेगा तो एक तो सेमिनिफेर के अंदर वो सेल्स है जो मिओसिस करके स्पॉम्स बनाएंगे इसके अलावा बेटा स्पॉम को नरिशमेंट भी चाहिए होता है और स्पर्म को बेटा बचाने का भी काम चलता है कि कहीं इसको इम्यून सेल्स आके खा ना जाए और स्पर्म को प्रॉपर यू नो

अब ये सर्टोली सेल बेटा क्या क्या काम करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं जो बनते जा रहे हैं इनको पहले नरिश करेंगे खाना पीना देंगे कि भैया तू जिंदा रहना तुझे अग अगली जिंदगी शुरू होगी सर्टोली सेल अभी मैं कंट्रोल बताऊंगी गई आते हुए एफ को इनहिबिट भी करते हैं बाय रिलीजिंग इनहिबिन तो सर्टोली सेल बेटा एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है इनहेबिन जो बेटा एफ को रोकता है कि भैया बस अब और स्पम नहीं बनाना है बस कर और नहीं चाहिए

है ना बाहर निकाल दिए इनको तो इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स भी बोलते हैं ये इंटरस्टिशियल सेल्स बेटा काम करेंगे हार्मोन को रिलीज करने का क्या काम करेंगे मेन हार्मोन निकालेंगे एंड दैट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन दैट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन ठीक है जी अब टेस्टोस्टेरोन ध्यान देना बच्चों अब टेस्टोस्टेरोन आया तो बाहर है ना बाहर आया इसको अंदर कंसनट्रेट भी तो करना है स्पर्मेटोजेनेसिस तो अंदर हो रही है तो अंदर भी चाहिए ना तो ये काम कौन करेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये एबीपी किसने निकाला सर्टोली ने तो सर्टोली ने और क्या काम किया इसने एबीपी रिलीज किया एबीपी न्यूज बेटा वो चैनल नहीं है कहीं तुम पहुंच जाओ डीएनए हाँ कि आज का डेली एनालिसिस न्यूज का चल रहा है नहीं बेटा इट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ठीक है जी यस yes. एबीपी को एबीपी की मदद से टेस्टोस्टेरॉन अंदर कंसेंट्रेट होता है ठीक है टेस्टोस्टेरॉन अंदर कंसेंट्रेट होता है क्योंकि अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही है नेक्स्ट आता है बेटा तो बता स्पर्म जन्म के बाद बनते इतना तो याद है प्यूबर्टी के बाद बेटा स्पर्म बनना चालू होता है अगर प्यूबर्टी के बाद स्पर्म बनेगा तो यार बॉडी को लगेगा ये तो नया सेल आ गया है क्योंकि कोई चीज अगर जन्म के बाद नहीं हमारी बॉडी में एंटर होती है तो बॉडी को लगता है ये फॉरन है इम्यून सिस्टम दौड़ते हुए आता है कह रहा है इसको मारो स्पर्म को मारो क्योंकि शायद ये हमारा सेल है ही नहीं इम्यून सिस्टम को लगता है कि जो सेल बचपन से तुम्हारे पास है ना बस वही तुम्हारा है उसके बाद कोई भी बाहर से आया बैक्टीरिया आया वायरस आया प्रोटोजो आया कोई आया उसे लगता है इसको मारो तो स्पोम भी तो बाद, बाद में बना बारह साल की उम्र के बाद तेरह साल की उम्र के बाद बना तो इम्यून सिस्टम को लगता है अरे स्पोम आ गए इनको मारो ये बाहर से आए हैं लेकिन बेटा वो तो बॉडी के सेल्स है तो बेटा यही सरटोली है यही सरटोली है जो इम्यून सिस्टम से स्पर्म को बचाते हैं स्पर्म को बचाते हैं सो so, कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स बेटा बाहर होते हैं जो स्पर्म को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन यही सर्टोली बेटा उसको बचा लेता है कि नहीं भैया ये अपनी बॉडी के सेल्स हैं माना कि बाद में बने हैं लेकिन बेटा हमें इनको बचाकर रखना है यानी कि ये क्या बनाते हैं ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर बनाते हैं इम्यून सेल्स को आने नहीं देते कि कहीं स्पर्म मर ना जाए ठीक है जी सो दे फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर समझ गए ब्लड टेस्टिस बैरियर क्योंकि बेटा स्पर्म बॉडी में जन्म के बाद बनते हैं तो इम्यून सिस्टम को लगता है ये फॉरन सेल है लेकिन ये फॉरन नहीं है ठीक है ये अपना ही सेल है ये इसको कौन सिखाता है सर्टोली सिखाता है दूसरा काम बेटा सर्टोली का होता है जब लड़के का जन्म भी नहीं होता है आप सोचिए बेटा इमेजिन करो सारे बॉयज इस क्लास के इमेजिन करें कि उनका जन्म नहीं हुआ है अभी वो अपनी मम्मी के पेट में बैठे हैं पेट में बैठने पर बेटा जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनते हैं ना तो दो डक्ट से बनते हैं एक डक्ट का नाम होता है मुलेरियन एक होता है वुल्फियन

वुल्फियन कहती है मैं मेल बनाऊंगी मुलेरियन तू पीछे हट तुझे फेलोपियन ट्यूब नहीं बनाने देंगे तुझे यूट्रस नहीं बनाने देंगे तो कौन मुलेरियन को धक्का मार के पीछे हटा देगा कि मुलेरियन तू नहीं ग्रो करेगी वुल्फियन वाले आगे बढ़ेंगे बेटा वो और कोई नहीं सर्टोली है सर्टोली रिलीजेज ए एम एफ ए एम एफ एंटी मुलेरियन फैक्टर एंटी मुलेरियन Factor, कब जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था एम्ब्रियोनिक एज में और ये AMF, मुलेरियन को दबा देगा नहीं ग्रो करने देगा क्योंकि मैनिश टाइप का है, है ना माचो टाइप का है और मुलेरियन बेचारा सोबर साइलेंट लड़कियों की तरह है तो मुलेरियन को दबा दिया जाता है और वुल्फियन को बेटा चांस मिलता है आगे ग्रो करने का ठीक है हाँ yes. जी बेटा तो आप देख रहे हैं कि हमारे हम लिख तो रहे हैं इंग्लिश में लेकिन हमारी क्लास चल रही है इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश मिक्स तो यार अगर आप हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं तो आप मेरी क्लास से बिल्कुल पूरा सीख सकते हैं बस आप सामने हिंदी का एनसीआरटी खोल के रखिए ठीक है बस आप साथ में सामने हिंदी का एनसीईआरटी खोल के रखिए आपको मेरा क्लास समझ आएगा ये मैं गारंटी देती हूँ गारंटी देती हूँ जी चलो अगर तुम्हें आए स्पर्म का पाथवे बताओ स्पर्म का पाथवे बताओ तो यार तुम कैसे पाथवे बताओगे सबसे पहले स्पर्म किसके पास थे साथ साथ बताओ सेमिनिफेस के बाद कहां पर आएंगे स्पर्म क्योंकि इसके अंदर बनेंगे ना

का फ्रंट व्यू बनाने वाली हूं तो अपनी बेटा पेंसिल्स को थोड़ा ताजा कर लो शार्प कर लो पेंसिल्स को बिकॉज वी आर गोइंग टू फॉर्म द फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है रेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्ट हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज डन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज एक्चुअली डन ठीक है जी तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर से बेटा डक निकलती है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा ठीक है जी यूरेथ्रा देन uh, यूरेथ्रा के ऊपर कवरिंग होती है बेटा यूरेथ्रा के ऊपर कवरिंग होती है एंड कवरिंग फॉर्म्स द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ठीक है जी यस कवरिंग फॉर्म्स द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ठीक है जी तो मेरे साथ साथ बनाइए बेटा ये चैप्टर तुम कितना खीखी खीखी कोने में बैठ के कर लो ही 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 कर लो एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके देख लो मुंह में हाथ डाल लो मुंह पे हाथ रख लो और फिर हंसते रहो बेटा इफ यू विल नॉट टॉक अबाउट दिस यू विल नेवर लर्न अबाउट दिस बीइंग अ बायोलॉजी एजुकेटर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अवेयर अबाउट द बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी आप ही की बॉडी में बेटा ये प्रेजेंट है तो अगर आप ही इसके बारे में बींग फ्यूचर डॉक्टर्स वैसे तो बड़ी शान से तुम अपने नाम के आगे यार डॉक्टर लगाते हो है ना फ्यूचर डॉक्टर भी लगाते हो लेकिन जब तक जब तक इसके बारे में ओपनली एक ओपन माइंड के साथ बेटा 2023 आ रहा है डोंट बिहेव लाइक आर इन नाइनटीज हमारे बेटा क्लास में मैं बता रही हूं मैं अपने टीचर का नाम नहीं लूंगी बट वो ये सारे चैप्टर बेटा टपा देते थे नहीं पढ़ाते थे बट यू शुड बी अवेयर अबाउट द बॉडी पार्ट इन योर बॉडी अदरवाइज इन्फॉर्मेशन तो ले लोगे. अगर मैं इसको ऐसे टपा दूंगी तो तुम्हें कोई और बताएगा और हो सकता है इंफॉर्मेशन करेक्ट ना हो. हो सकता है उसमें कुछ गलत चीजें बताई हो सो so, बेटा आपको करेक्ट सोर्स से करेक्ट इन्फॉर्मेशन आनी बहुत जरूरी है और इसके बारे में थोड़ा ना मेच्योरली बिहेव किया करो आप बीस साल के होने वाले हो आप अट्ठारह साल के होने वाले हो ठीक है जी तो आप थोड़ा सा इस तरीके से एक्ट कीजिए कि ये आई एम ए मेच्योर्ड गेट आई आई डोंट स्टडी इन एट्थ क्लास आई डोंट स्टडी इन सेवेंथ क्लास और इन्फॉर्मेशन लीजिए जरूरत पड़े तो अपने जूनियर्स को अपने भाई बहन को भी आप समझा सकते हैं अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो बेटा क्या तुम किसी को सिखाओगे और क्या आगे जाके में informed decision लोगे, अवेयर एंड बी वेरी मेच्योर अबाउट दिस ओके जी बी वेरी मेच्योर अबाउट दिस नेक्स्ट बेटा मैंने बोला जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर है पाउच का हमने क्या नाम दिया था स्क्रॉटम नाम दिया था दिख रहा है

से न, लूप हो से क्या होता है लूप होके आता है तो इस तरीके से बेटा, ये लूप होके आया।, <coughs> yes, हो आया लूप होने आने के बाद बेटा यहाँ पर एक बल्बस सा बनाता है बल्ब टाइप स्ट्रक्चर बनाता है इस बल्ब टाइप स्ट्रक्चर को अपने लोग बोलते हैं एम्पिला इसको हम क्या बोलते हैं एम्पिला तो ये मैंने क्या बनाया है Epidymus. Epidymus, coiled duct है जहां पर स्पर्म्स टेम्परेली स्टोर होते हैं ये मैंने क्या बनाया है वास एफरेंस ठीक है वास एफरेंस के बाद बना है ये ठीक है जी दस्ते बेटा एक सबसे पहला एक्सेसरी ग्लैंड आता है क्या आता है सबसे पहला एक्सेसरी ग्लैंड आता है जिसको मैं ऐसे बना रही हूं ये देखिए दिख रहा है ये पेड़ की तरह, yes. This gland is called as seminal vesicle. दो होते हैं, मैं एक साइड बना रही हूँ बेटा क्या नाम है इसका सेमिनल वेसिकल कितने होते हैं दो होते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड होंगे मैं एक ही बना रही हूँ ठीक है जी सेमिनल वेसिकल से जुड़ने के बाद एम्प्यूला का नाम बदल जाता है ध्यान देना अभी तक बेटा ये वास्ट डिफरेंस आ रही थी आ रही थी अभी तक इसका नाम वास्ट डिफरेंस था लेकिन जैसे ही इसको सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन मिलेगी बेटा इसका नाम बदल जाएगा और अब ये बन जाएगी अब ये बन जाएगी बेटा इजेकुलेटरी डक्ट यस ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 2022 में नीट 2020 में दिस इज कॉल्ड एज इजेकुलेटरी डक्ट सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट निकलती है उसके साथ जब वास्टरेंस मिलती है तो उस डक्ट का क्या नाम बन जाता है डक्ट डक्ट का नाम बदल रहा है फिर फिर में में बेटा इसको अगला yes. में इसको अगला ग्लैंड मिला यस एक सिंगल ग्लैंड मिला ये इस ग्लैंड को अपने लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या बोलते हैं प्रोस्टेट ये अकेला दुकेला ग्लैंड है बेटा इसका कोई साथी नहीं है प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक है जी कितने हैं Only one है, only one है। फिर थोड़ी दूरी पे बेटा मिला, बेटा इसको मिला एक पेयर्ड ग्लैंड और मटर के साइज का किस साइज का मटर के साइज का क्या मिला ग्लैंड मिला तो पेयर्ड ग्लैंड ये. ये, दिस इज कॉल्ड एज ग्लैंड क्या नाम है बेटा इसका या फिर इसको बोल दोगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ठीक है बेटा यस क्लियर हो गया यानी कि स्पर्म बेटा यहां से आ रहे हैं कहां से एपिडाइमस से ये वास्ट डेफरेंस में आए वास्ट डेफरेंस के बाद बेटा इजैक्यटरी डक्ट में आए इजैक्युलेटरी डक्ट से पहले इनको सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन मिली फिर इनको प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन मिली फिर बेटा इनको कॉपर ग्लैंड की सिक्रेशन मिली और अल्टीमेटली बेटा स्पर्म यहां पर आ चुका है अब इसके अंदर फ्लो कर रहा है अब बेटा इस डक्ट में वैसे तो पहले यूरिन फ्लो करता था क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से निकलती हुई डक्ट है ये क्या है बेटा यूरिनरी ब्लैडर समझो इसको ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ठीक है यूरिनरी ब्लैडर से निकलती हुई डक्ट में पहले यूरिन फ्लो करता था लेकिन अब इसी डक्ट के अंदर स्पर्म और उसकी सीक्रेशंस यानी कि सीमेन फ्लो करेगा तो यार ये डक्ट क्या कहलाई यूरिनो जेनाइटल डाट बोल सकते हैं नाउ दिस डाक्ट इज कॉल्ड एज यूरिनो जेनाइटल डॉक्ट यूरिनो जेनाइटल है जी अब ये यूरिनो जेनाइटल की बेटा कवरिंग है इट इज कवर्ड बाय एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसको हम कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं क्योंकि इनसेमिनेशन में हेल्प करता है दिस एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज कॉल्ड एज पीनस स दिस एक्सटर्नल जेनेटेलिया बेटा दिस इज कॉल्ड एज पीनस ठीक है जी ओके okay. अब पीनस के जो बेटा बिल्कुल टिप की स्किन है दैट इज वेरी सेंसिटिव एंड दैट इज कवर्ड बाई अक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन दिस टर्मिनल पोर्शन इज कॉल्ड एज ग्लान पेनिस रिट्रैक्टेबल है जो कि हाईली सेंसिटिव है दिस इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस ठीक है जी यस yes. क्लियर हो गया तो ये बेटा हमने फ्रंट व्यू बना लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अब यार ये सारी है तुम समझ रहे हो ये सारी है यूरिनरी ब्लैडर से निकली है अब इस को मैं तीन हिस्से में डिवाइड कर रही हूँ तीन हिस्से में ध्यान देना पहली यूरेथरा वो है जहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड है यानी कि इतना पोर्शन ऑफ द यूरेथरा दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड निकल रहा है ठीक है प्रोस्टेट ग्लैंड निकल रहा है यहां पर ये छोटी सी यूरेथरा बेटा इसको बोलते हैं और नीचे जो यूरेथ्रा के अराउंड है, ठीक है? है. Urethra. तो urethra parts, लेबल कर रही हूँ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा देन दिस पार्ट मेमब्रेनस यूरेथ्रा एंड दिस पार्ट पीनाइल यूरेथ्रा जरा देख के बताओ कौन सा पार्ट सबसे बड़ा है कौन सा पार्ट सबसे बड़ा है yes. कौन सा पार्ट बेटा सबसे बड़ा है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बड़ा है बड़ा बड़ा है या बड़ा है या पीनाइल क्योंकि सबसे ज्यादा यूरेथ्रा किस हिस्से के पास है पीनस के पास है यानी कि जो पीनाइल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट और छोटा कौन सा दिख रहा है इज द स्मॉलेस्ट पार्ट यस इज द मेम्बरेस्ट पार्ट ठीक है जी यस yes. पीनस के बारे में बेटा मोर डिटेल विल कम इन नेक्स्ट स्लाइड अब यहां पर बेटा मैंने तुम्हें बताया तीन एक्सेसरी ग्लैंड है कौन से हैं तीन एक्सेसरी ग्लैंड है कौन कौन से सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ठीक है तीनों का फंक्शन बेटा मैं यहीं पर लिख रही हूं आई एम राइटिंग ओवर हेयर ओनली सबसे पहला ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल यस yes, कितने हैं कितने हैं बेटा दो सेमिनल वेसिकल है बेटा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द सीमेन इज डन बाय सेमिनल वेसिकल। तो सबसे पहली चीज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है ठीक है दिस इज सोर्स ऑफ शुगर्स लाइक फ्रक्टोज आइनोसिटोल जो बेटा स्पर्म को क्या करेगा नरिश करेगा यहां से क्लॉटिंग एजेंट में निकलेगा जिसका नाम है फाइब्रिनोजन हाँ जी क्लियर अबाउट द सेमिनल वेसिकल सेमिनल वेसिकल का डब्बा क्लियर है सबसे ब, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट सीमन को कौन करता है सेमिनल वेसिकल देन आता है नेक्स्ट क्लैंड जिसका नाम है प्रोस्टेट क्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड कितने बताए थे एक एक बेटा अकेला प्रोस्टेट ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड 20 से 30 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एंड बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन होगी ना एल्कलाइन सिक्रीशन होगी ऐसा पता है क्यों किया गया ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि यूरिन जब यूरेथ्रा में आता है यूरिन इज एसिडिक और अगर स्पॉम आएंगे तो एसिड तो उनको मार देगा स्पर्म मर जाएंगे तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना तो कहीं से बेस आना चाहिए बेस बेटा दो ग्लैंड से आता है एक तो प्रोस्टेट से आता है और एक कॉपर से आता है बेसिक सिक्रेशन रिलीज करते हैं एल्कलाइन है बेटा साथ में इसमें कैल्शियम आयन आएगा क्लॉट को तोड़ने के लिए फाइब्रीनो लाइसिन आएगा फाइब्रीनो लाइसिन आएगा ठीक है जी तो ये हो गया आपकी बात ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक है जी नेक्स्ट लास्ट आता है बेटा काउपर्स ग्लैंड यस उपर्स ग्लैंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्बोरे ग्लैंड कितने दो हैं बेटा इसकी कैसी है एल्कलाइन है और इसका मेजर काम है ल्युब्रिकेशन किसमें मदद करता है ल्युब्रिकेशन ल्यूब्रिकेशन होता है उस एरिया को थोड़ा थोड़ा वेट रखना ड्राई मत होने देना ठीक है यस दिस इज द फंक्शन ऑफ काउपर्स ग्लैंड तीन ग्लैंड हो गए कितने होंगे टोटल एक दो तीन चार पांच पांच हो गए, एक तरीके से थ्री टाइप्स दो सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट और दो मेल सिस्टम, बेटा जी, इसके बाद आता है ऑर्गन यस तो बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं ये स्पेशल क्लास क्या है ये है बेटा अपनी स्पेशल क्लास ये अभी क्लास खत्म नहीं हुई बस मैं बता रही हूं ये बेटा एक फ्री टेस्ट है देखो जितना मैं कराऊंगी उसका टेस्ट भी तो लूंगी तो टेस्ट बेटा मैं आपका लूंगी शाम को पांच बजे एक फ्री क्लास में जहां पर पोल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये मैंने क्लास का लिंक चैट बॉक्स में ऊपर पिन किया हुआ है तो बेटा इस फ्री क्लास को ज्वाइन कर लेना कितने बजे होगी पांच बजे बस इस पर क्लिक करना और एनरोल कर लेना फ्री क्लास है अन अकेडमी की एप पर होगी इतनी फालतू ऐप तुमने रखी हुई है तो यार एक काम की ऐप भी तो रख लो है कि नहीं बच्चों एक काम किया आप भी तो रखोगे यस yes, बच्चों चलो नेक्स्ट पार्ट आता है द द लास्ट पार्ट दैट इज पीनस पीनस का बेटा अगर स्ट्रक्चर देखें ट्रांसफर सेक्शन देखें बेटा जी पीनस का तो बेटा ट्रांसफर सेक्शन में इसके पास तीन तीन टिश्यूज होते हैं मेन यस लेट मी ड्रॉ द सेक्शन हाँ जी बेटा तो पहला पार्ट ये देख रहे हो ये स्पॉन्जी टिश्यूज हैं बेटा पीनस के पास प्रेजेंट है पीनस के पास बेटा अगर हम देखे पे और दो टिशूर प्रेजेंट है, जिनका नाम है कौर्पस कावरनोसा। कौर्पस कावरनोसा। और बेटा वेंट्रल साइड पे तुम देखोगे तो एक टिश्यू है जिसका नाम है कॉर्पसपॉन्जियोसम बेटा कॉर्पसपॉन्जियोसम के अंदर से ही मिडल में से ही क्या निकलती है यूरेथ्रा तो तुम समझ रहे हो वेंट्रल साइड वेंट्रल बेटा आगे वाली साइड होती है डॉर्सल पीछे वाली साइड होती है वेंट्रल साइड पे पेनिस के अंदर एक टिश्यू है स्पोंजियोसम जिसके बीच में से क्या निकल रही है ये वाली यूरेथ्रा निकल रही है ठीक है जी तो स्पोंजियोसम के पास ही क्या प्रेजेंट है यूरेथ्रल ओपनिंग दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग इसको बेटा और क्या बोल सकते हो यूरेथ्रल ओपनिंग को यूरिनोजेनाइटल मीटस यूरिनोजेनाइटल मीटस ठीक है जी मीटस, ओके हां जी बेटा क्लियर हो गया अब बेटा पेनिस की जो टिप है मैंने आपको बताया टॉकिंग अबाउट द टिप ऑफ द पेनिस द टिप इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस ठीक है ग्लांस पेनिस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन है मतलब जो टिप है उसके ऊपर एक ऐसा फोल्ड ऑफ स्किन है जो रिट्रैक्टेबल है जो मूव कर सकता है आगे पीछे मूव कर सकता है सो इट हैज गॉट अ रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन एंड दैट बेटा रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज फोर स्किन इसको हम बोलते हैं फोर स्किन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिप्यूस ये नाम याद रखेंगे ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिप्यूस अब बेटा स्किन के अंदर वाली साइड पे

क्या है स्मेग्मा बेटा स्मेग्मा का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है एक स्मेल होती है एक स्पेशल टाइप की स्मेल होती है ठीक है कई बारी कई बारी बेटा इन सम केसेस देयर इज रिमूवल ऑफ दिस फोर स्किन को ना रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज सर्कमसीजन हाँ जी बेटा सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रिप्यूस इज कॉल्ड एज सर्कमसीजन सर्कमसीजन ठीक है और कई बार देयर इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस ये किया जाता है कॉयर कॉयर बॉयज बॉयज के केस में में वो होते हैं हैं बेटा जो क्रिसमस यू नो गाते है. अब उनकी जो वॉइस है वो लो पिस्ड करनी होती है लड़कियों जैसी करनी होती है तो उसका एक तरीका क्या टेस्टोसिरोन उसमें नहीं आना चाहिए तो टेस्टोसिरोन का सोर्स ही काट दो तो सोर्स क्या है टेस्टिस टेस्टिस को ही रिमूव कर दो तो यार ना टेस्टोसुर आएगा ना उनकी आवाज भारी हो पाएगी लड़कों की तरह और उनकी आवाज पतली होगी जिससे वो अच्छे सिंगर्स बन पाएंगे सो दैट सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड एज कैस्ट्रेशन Castration. तो मैंने तुम्हें दो वर्ड बताए दोन और ये किया जाता है के केस में ओके okay जी क्लियर हो गया पेनिस के बारे में बात यस एवरी वन डन हांटा डन हो गया कि नहीं हुआ यस yes. बता दो फटाफट से ठीक है बेटा बोर्ड्स वाले भी इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं एब्सोल्युटली फॉलो कर सकते हैं किसको देख ले प्रियंका को देख ले कौन है प्रियंका पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यस yes. क्या कर रहे हैं क्या बातें करते हो यार क्या बातें करते हो है? क्या बातें करते हो तुम लोग चलो सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा जी डन हो गया एक बार फटाफट से एनसीआरटी से देख लो तो बेटा हमने जो है वो फ्रंट व्यू बनाया है ये आपका साइड व्यू बना हुआ है वी टॉक्ड अबाउट द स्क्रॉटम वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर रिक्वायर्ड वी टॉक्ट अबाउट द फैक्ट्स अबाउट द टेस्टिस के बारे में बात की 2050 हजार लोब्यूल्स होते हैं हाफ सेम रहेगा सरोली सेल होगा सर्टोली के अलावा इंटस्टिशियल सेल्स होंगे जिनको हमने लेडिक सेल बोला देन बेटा हमने एक्सेसरी डॉक्ट्स के बारे में बात किया जो एक्स्ट्रा डक्ट है रिटेटेस्टिस है एपिडा और वास्टेफरेंस है बेटा ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि मेल सेक्स एक्सेसरी डॉक्ट कौन सी है तो तुम लोग इरिटेट टेस्टिस है वासा इफेरेंशिया जो भी एक्स्ट्रा डक्ट तुम्हें दिखाई दे रही है वो सारी टेल वास्ट डिफरेंस एक्सेसरी डक्ट्स हैं देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट वी आल्सो टॉकड अबाउट कि एपिडायमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस जो कि बेटा ऊपर से जाकर लूप होकर आती है यूरिनरी ब्लैडर पे और बेटा नीचे वाले मीटर्स को जो ओपनिंग है उसको हमने क्या नाम दिया यूरिथ्रल मीटर्स दिस इज द डायग्राम ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल ये किसका डायग्राम है बेटा जी सेमिनिफेरस टिब्यूल का डायग्राम है है ना यस देन वी टॉकड अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया यही खत्म हो गया यार, इसका चार्ज खत्म हो गया एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में बेटा जी हमने बात की फोर स्किन प्रोस्टेट बल्बरे ग्लैंड यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डन है बेटा हाँ जी डन है बेटा बता दो फटाफट से एनजीआरटी से देख लो अभी क्लास खत्म नहीं हुई बेटा फीमेल भी थोड़ा सा कराऊंगी ये लो भाई साइड में हो गए नाउ बेटा एक दावा में करती हूं यहां पर अभी क्लास खत्म नहीं हुई है फीमेल भी करना है बट अब बेटा इतने पोर्शन को तुम एनसीआरटी से पढ़ना तुम्हें ये चैप्टर 99% यहाँ पे हो चुका है लर्न इतना पोर्शन तुम्हें लर्न हो चुका है ये मुझे पता है शायद ना पता हो बट मुझे पता है तुम्हें, तुम्हें चैप्टर इतना लर्न हो चुका है एक बार क्लास के बाद क्या करना रहेगा एनसीईआरटी से पढ़ना रहेगा एक एक लाइन दोबारा देखनी रहेगी मैं जान के बेटा यहां नहीं कर रही हूं क्योंकि तुम खुद करोगे तो तुम्हें और कॉन्फिडेंस आएगा एक एक लाइन देखनी रहेगी बस वो सारे सेशंस सारे तुम्हें खोजने का सबसे आसान तरीका बताऊं गूगल पे जाना है कहां जाना है गूगल पे जाना है और इस तरीके से डालना है सीप पाउजा लिंक ट्री दिख रहा है ये जो पहला लिंक आएगा ये बेटा जी जो पहला लिंक आएगा ना इसी को खोलना है इसको खोलना है और इसको खोलोगे बेटा तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी ये जो अपना क्रैश कोर्स है और बेटा टेलीग्राम पे दूंगी वो आसान है आपके लिए। है जी? है? अच्छा बता दो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए तैयार है सबके नहीं है तैयार है कि नहीं है यस बेटा स्टडी फ्रॉम जीरो विद मी आपको कुछ नहीं आता था आप इस सेशन में आइए आप यहां पर अटेंड कीजिए आप फ्रॉम जीरो यहाँ पर हीरो बन सकते हैं जीरो टू हीरो सीरीज़ है बेटा ये आपके लिए जीरो टू हीरो सीरीज़ है हाँ जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करें बेटा बोर्ड्स के लिए मोर फिशियंट है मैं यहाँ पर एनसीआर से थोड़ थोड़ा थोडा एक्स्ट्रा कर रही हूँ तो ऐसे नहीं लगने चाहिए एनसीआर टी का बेस जानना है और हर एक बच्चे से कम्पीट करना है तो बेटा जो मैं करा रही हूँ ना चाहे थोड़ा सा बाहर जा रहा है बट तुम्हारे लिए नेसेसरी है तभी कराया जा रहा है ठीक है जी तो बेटा हमारी नाक छड़ा कटनी चाहिए तो बेस्ट कॉन्टेंट बेटा तुम्हें यहाँ पर मिलेगा इट विल बी ओरिएंटेड टू द एनसीआर बट एवरी थिंग रिक्वायर्ड यू विल गेट मुझे ना एक बच्चे का मैसेज आया जो इस समय एम्स में है ठीक है एम्स पटना येस वहां पर है ही कॉल्ड मी वन डे एंड यू वर स्टडिंग एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में ना टॉपिक्स होते हैं अनोटोमी फिजियोलॉजी उसमें जो कॉल किया मैम जो आपने ह्यूमन फिजियो पढ़ाई थी ना एंड दैट ह्यूमन फिजियो जिसमें रिप्रोडक्शन भी आई जाता है एक तरीके से वो उनको इतना ज्यादा हेल्प करी है उनके फर्स्ट ईयर में दे फील दैट दे हैव द बेसिक्स इन अ वेरी अप्रोप्रिएट वे सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू मेक श्योर और आप चिंता मत करो बेटा आपका सिलेबस टाइमली होगा चिंता मत करिए सिलेबस विल बी डन टाइमली तो यार सबके साथ कंपीट करना है ना तो मेरे बच्चे कम नहीं होंगे बिल्कुल कम नहीं होंगे चलो आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हां जी बेटो जैसे हमने मेल्स में किया था इसके अंदर भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है बताएंगे फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा रहेगा यस yes. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा रहेगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑर्गन अगेन इट इज गोइंग टू बी अ एंड दैट पेयर स्ट्रक्चर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज पेयर ऑफ ओवरीज कितनी है दो ओवरीज है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम ओवरीज दैट विल बी पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर बेटा आपका डक्ट सिस्टम आ जाएगा इसमें ओवी डक्ट है

और तुम यहां से अपना नाम जब सुनो तो कुछ अच्छे शब्द ना निकले नाम ऐसा सुन मतलब ये क्या बात हुई नाम होना चाहिए बदनाम ही सही बेटा ऐसा एटीट्यूड मत रखिए कुछ अच्छा करिए घुस रहे हैं फॉलिकुलर में अभी फॉलिकल पता नहीं है इनको फॉलिकल पता नहीं है अगर मैं पूछ लूंगी सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल में अंतर बता दो ये ना बता पाएंगे लेकिन इनको अट्रेजिया जानना है बेटा वो मत बनिए एक मैंने क्लास में मेरी एक फ्रेंड होती थी मेरे प्लस वाले बच्चे बताए यार उस फ्रेंड के बारे में येस फ्रेंड के बारे में बताओ फ्रेंड के बारे में बताओ हाँ जिसको पता है अटेंशन चाहिए थी बस क्लास में एक बच्चा था मेरी कॉलेज की बात है बेटा उसमें बेटा क्या चाहिए उसको अटेंशन चाहिए थी अटेंशन चाहिए तो जान जान के टीचर से ऐसे क्वेश्चन पूछने और पीछे देख के पूछती थी वो लाइक वी यूज टू बी द बैक बेंचर्स हमें पीछे से देख के ऐसे पूछती थी सर सर व्हाट इज दिस तो यार ऐसे नहीं बनना है असली चीज पे काम करो फेक बनते हुए तो वही बात हुए। वही बात बात हो गई है ना इंस्टाग्राम पे मुझे बस लाइक चाहिए फेसबुक पे रियलिटी है है। में चाहिए है। ठीक है रियलिटी में फॉलिकल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है लेकिन इनको फॉलिकल चाहिए है? हाँ बिल्कुल याद आ गया बच्चों को बेटा इंस्टाग्राम लाइक नहीं असली लाइक्स पे जाओ उस लाइक पे जाओ कि सामने आके पेशेंट के मां बाप बोल रहे हैं तुमसे कि थैंक यू सो मच फॉर सेविंग लाइफ ऑफ माय सन माय डॉटर थैंक यू फॉर सेविंग लाइफ ऑफ माय फादर ये होता है बेटा असली रिकोगशन ठीक है फेसबुक लाइक इंस्टाग्राम लाइक वॉचेस व्यूज सब्सक्राइबर्स दीज आर नॉट रियल रेकग्नेशन रेकोग्निशन वो है कि आपके लिए दिल से दुआ निकले रेकग्नेशन वो है कि अगर आज से 10 साल बाद 20 साल बाद कि मेरे बच्चे मुझे याद करके बोले कि सीप मैम ने हमें ये चीजें पढ़ाई थी मेरे लिए उससे बड़ा रेकोग्निशन नहीं हो सकता जब बेटा मैं बूढ़ी हो जाऊं ना तो तुम मुझे याद रखो कि दे आर यूज टू बी अ टीचर इन आवर नीट कोचिंग जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पढ़ाई निस्वार्थ भावना से कराई थी है ना वो है मेरे लिए असली गिफ्ट है. असली गिफ्ट इज नॉट माई सैलरी असली गिफ्ट इज नॉट व्यूज आप आपकी क्लास में से बेटा एक भी अच्छा डॉक्टर डॉक्टर निकल गया एक भी अच्छा जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करे जो किसी को ठीक करने के लिए काम करे जिसके इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हो बेटा वो मेरा रियल सक्सेस है माय सक्सेस इज नॉट माय सैलरी माय सक्सेस इज नॉट द नंबर ऑफ यूज माय सक्सेस इज नॉट दिस माय सक्सेस इज द रियल थिंग तो तुम भी रियल एप्रिसिएशन के पीछे भागो ठीक है रियल एप्रिसिएशन फेक के पीछे नहीं भागना ठीक है जी <coughs> यस yes, चलिए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेटा अगर स्ट्रक्चर देखा जाए स्ट्रक्चर बेटा ड्रॉ कर ले हाँ चलो जी यस yes, बेटा ठीक है एक ही साइड बनाएंगे थोड़ा मोटा बन गया बट कोई बात नहीं हाँ जी बेटा दूसरी साइड भी ऐसा ही होगा बट मैं इसको पूरा ड्रॉ नहीं कर रही हूं ठीक है आप समझ जाना आप समझ जाना ओके कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ऐसा ही आपने पिछले साल पढ़ाया था तो बेटा तुम पिछले साल से अभी तक यही हो हैं ऐसे ही पढ़ाया था तो क्या सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तुमने ड्रॉप कर लिया तो ऐसा नहीं होता बेटा ऐसा नहीं होता मतलब कैसी बात कर देते हो ना कई बार तुम जिसमें मुझे हंसी आ जाती है बिल्कुल बच्चों जैसी बात करते हो तो तुम बच्चे ही हो तो तुम बच्चे ही ठीक है सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा से? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा जो एब्डोमिनल में ऐसे हैंग कर रहा है दिस इज कॉल्ड एज ओवरी देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरी ठीक है एक ओवरी आपकी इधर रहेगी और एक ओवरी इधर घुमरी होगी ठीक है जी देन बेटा आता है आपके सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सबसे पहले बात करते हैं डक्ट की द एज ओवी ये बेटा आपकी ओवीडक्ट है ओवी डक इसको इसीलिए बोला है क्योंकि ये ओवा को कैरी कर रही है ठीक है जी ये फेलोपियन ट्यूब है तुम्हें भी हंसी आ रही है ना सुन के कि मैम ये तो पिछले साल जैसा ही है पिछले साल भी यही थी पिछले साल बस बच्चे और थे शायद तुम भी हो गए उसमें कोई बात नहीं दोबारा तो पढ़ना पड़ेगा बेटा है ना दुबारा तो पढ़ना पड़ेगा ओके क्या होती है फर्टिलाइजेशन होती है फर्टिलाइजेशन होती है अब यार फेलोपियन ट्यूब के तीन हिस्से हैं ठीक है तीन हिस्से हैं तो हिस्सा नंबर वन टू थ्री लिखने वाली हूं दिस इज द फर्स्ट छोटा सा पार्ट देन बेटा ये मोड आता है एक, एक जिंदगी में बेटा स्पर्म की जिंदगी में मोड़ आएगा ये मोड़ आया और मोड़ के बाद फिर एक पतली सी गली आ जाएगी ठीक है जी तीन गलियां आएंगी एक पहले छोटी सी गली ठीक है नंबर वन दिस नंबर वन इज कॉल्ड एज इन यस द नंबर वन पार्ट इज कॉल्ड एज इन फंडिबुलम इन फंडिबुलम ठीक है देन एक मोड़ आएगा एक वाइड सा हिस्सा आएगा जिसका नाम है एम्पूला क्या नाम है एम्प्य एम्पिला कहीं भी वर्ड आए मतलब एक मोटे हिस्से को बोला जाता है देन आता है तीसरा पोर्शन द तीसरा पोर्शन इज अ पतली सी गली जिसका नाम है इस्थमस क्या नाम है इस्थमस तो यार ओवा इसने बनाया ओवा को पकड़ने के लिए देख रहे हो ओवा को पकड़ने के लिए ऐसे उंगलियों टाइप का स्ट्रक्चर है ये जो उंगलियों टाइप का स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं हम फिम्ब्रिय क्या बोलते हैं फिम्ब्रिय तो यार फिम्ब्रिय थोड़े से ऐसे हैं ये ऐसे हैं मतलब इसका सेक्शन तुम काट के देखोगे ना ऐसे दिखाई देगा ये ऐसे और बेटा इसके अंदर ना एक छेद होता है यस इसी छेद में से ओवा निकलता है इस छेद को बोलते हैं ऑस्टियम क्या बोलते हैं इस छेद को ऑस्टियम बोलते हैं तो ओवा निकला ओवे को ओवा। मेरी पंजाबी कहीं भी निकल है ओवा को बेटा इन फिम्बरी ने पकड़ लिया ऑस्ट्रिया के थ्रू ये ओवा घुस गया किसके पास इन पंडिबुलम के पास जाएगा फिर बेटा जाएगा एम्पुला के पास फिर बेटा जाएगा वो इस्थमस के पास ठीक है इस्थमस से होता हुआ इस्थमस से होता हुआ बेटा ये ओवा घुस जाएगा इस इन्वर्टेड कद्दू टाइप स्ट्रक्चर में इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर में एंड दिस इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूट्रस इसका नाम क्या है बच्चों इसका नाम है यूट्रस अब यूट्रस के भी तीन हिस्से हैं इसको मैं छोटा कर देती हूं पर यस yes. एक मिनट रुको हाँ जी बेटा एक सेकेंड ऑस्ट्रिया ऊपर पहुंचा देते हैं यहाँ पर हाँ यूट्रस के भी बेटा अपने पास तीन हिस्से हैं कितने तीन द नंबर का हिस्सा दिख रहा है, है, है बॉडी को और तीसरा ये जो छोटा सा नैरो यूटरस है दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स क्या नाम है बेटा जी इसका सर्विक्स अब यूटरस बेटा इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है इसको बेटा वूम भी बोला जाता है भ्रूण यानी कि वूम भी बोला जाता है और क्या बोला जाता है हिस्टेरा भी बोला जाता है तो ये तीनों बेटा यूट्रस के ही वर्ड है यूट्रस वूम और हिस्टेरा डीज थ्री वर्ड्स आर सेम थिंग ठीक है जी यूट्रस के तीन पार्ट फंडस बॉडी एंड सर्विक्स सर्विक्स के बाद बेटा दिस इज द आउटसाइड ओपनिंग एक्सटर्नल जेनेटीरिया और एक्सटर्नल जेनेटीरिया में जो बाहर की ओपनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं वचाइना दिस इज बेटा जी कॉल्ड एज वजाइना ठीक है जी तो ये बात हो गई आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पार्ट्स की द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द ओवरी ओवरी के बाद आते हैं फिमरी पिक करने के लिए देन ओवा का ये पूरा पाथ रहेगा अब इसको अगर स्पम मिल गया तो बात अलग है स्पम नहीं मिला तो बेटा इस तरीके से उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ओवा आएगा तीन दिन रहेगा उसको स्पम नहीं मिले तो बेटा यहां से पीरियड्स के साथ ब्लड और म्यूकस के साथ बाहर बॉडी से बाहर ठीक है जी उसकी डेथ हो जाएगी हाँ जी ओके जी अब बेटा ये जो सर्विक्स है और वजाइना है यहीं से बच्चे का जन्म होता है देखो बच्चे का जो जेस्टेशन पीरियड है जो उसका पूरा फॉर्मेशन है वो यूट्रस की बॉडी के अंदर होगा यूट्रस के अंदर होगा तभी इसको वोम बोला गया क्योंकि यहाँ पर फीटस बनता है लेकिन बच्चे का जो जन्म होता है वो इन दोनों से होता है सर्विकल कैनॉल और वेजाइनल कैनॉल के थ्रू होता है तो सर्विक्स और वेजाइना से जन्म होता है बच्चे का इसीलिए इसको बोलते हैं बर्थ कैनॉल क्या बोलते हैं बच्चों बर्थ कैनॉल ठीक है जी क्या बोलेंगे बर्थ कैनॉल याद रहेगा यस यस एब्सोल्युटली अब ओविडक्ट में एक बच्चे ने थोड़ा सा ज्यादा डीप पूछ लिया है कोई बात नहीं वैसे हम आगे लिखने वाले थे इन तीनों में से वन टू थ्री में से विच वन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन सो इज एक्चुअली दर्टिलाईजेशन टू फर्टिलाइजेशन पुरानी बुक्स में इट इस इज इस्थमिक जंक्शन बट वो अपडेट हो चुका है अगर तुमसे कोई पूछे दैट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा हिस्सा है ओविडक्ट का तो तुम बोलोगे वो मोड़ जहां पर आ, एक मोड़ आया मैं उठे गड्डी छोड़ आया तो गड्डी नहीं छोड़नी है वहां पर बेटा

और दूट्रस पार्ट ठीक है अब क्या करना है इस ओवरी, को उठाना है? इस ओवरी का सेक्शन लेना है ठीक है देखना हैल्टीपल फॉलिकल्स है फॉलिकल्स के, के अंदर आपका ओवर मेच्योर हो रहा है सो दिस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फॉलिकल्स सो लेट इस्टार्ट विद्रक्चर ऑफ ओवरी सेक्शन ऑफ ओवरी कर लेस yes, बेटा थके तो नहीं हाँ इनको बेटा बहुत दिक्कत हो रही है बेटा टेक पावर ओवरी एक ऑर्गन का नाम है ओवा सेल का नाम है पूछ रहे हैं ओवा और ओवरी में क्या अंतर है बेटा ओवरी एक ऑर्गन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी इसके अंदर ओवा बनता है इसके अंदर ओवा बनता है तो ओवरी का सेक्शन काट के देखते हैं तो मुझे क्या दिखा ओवरी का सेक्शन कट किया तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखा ठीक है Yes, इस तरीके से मैंने सेक्शन के देखा यस yes, बेटा बना लिया सबने इतना थके तो नहीं ना हाँ चलो गुड है थक भी गए हो तो मैं नहीं रुकने वाली तुम थको तुम्हारी तुम जानो तुम्हारी पढ़ाई जानो मैं नहीं रुकने वाली हूं ठीक है जी दिस इज अ सेक्शन ऑफ ओवरी ओवरी के अंदर बेटा ओवरी के अंदर जितना भी माल मसाला है ये देखो जितना भी ये माल मसाला है इस सारे माल मसाले को हम बोलते हैं स्ट्रोमा यस yes. ओवरी के अंदर ये जितना भी एरिया है ये मैट्रिक्स है मीडियम है कुछ बोल लो दिस इज कॉल्ड एस स्ट्रोमा स्ट्रोमा में बेटा बाहर की साइड पे ही देखो बाहर की साइड पे आपके फॉलिकल्स बनते हैं ठीक है और अंदर की साइड पे तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल लिगामेंट्स प्रेजेंट है तो समझ रहे हो ये सारे हिस्से को बोलोगे स्ट्रोमा क्या बोला तुमने इसको स्ट्रोमा तो मैं लेबल कर देती हूं क्या है ये स्ट्रोमा और स्ट्रोमा में बेटा आगे दो चीजें हैं एक तो है पेरिफेरल रीजन कोने वाला रीजन इस पेरिफेरल रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स पेरिफेरल रीजन में तुमको क्या मिलेंगे फॉलिकल्स मिलेंगे और बेटा एक अंदर वाला रीजन ये तो कॉर्टेक्स हो गया बाहर वाला ये देखो इतना इसको मैं थोड़ा सा वो भी कर देती हूं ये देखो ये दिस इज कॉर्टेक्स पेरिफ्रल रीजन ठीक है जी और बेटा इसके बाहर वाला रीजन अंदर वाला रीजन द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला कॉटेक्स और मेड्यूला ये नाम नहीं, नहीं है मेड्यूला के अंदर तुम्हें मिलता है कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल लिगामेंट्स ओके यस क्लियर है क्लियर है तो बाहर वाला कॉटेक्स अंदर वाला मेड्यूला अब कॉर्टेक्स से मैंने बोला यहाँ फॉलिकल बनेंगे ठीक है तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉलिकल होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल बेटा फॉलिकुलर जेनेसिस अलग से कराऊंगी मैं उसकी टेंशन मत लेना अभी जस्ट लिख लो ये है प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल बड़ा होकर क्या बना लेता है सेकेंडरी फॉलिकल ठीक है प्राइमरी के बाद ऑब्वियसली क्या बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल टू डिग्री सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल के बाद अंदर एक कैविटी सी दिखाई देने लगेगी ये देखिए बड़ा हो रहा है साइज भी और अंदर बेटा एक अलग से कैविटी दिखाई दे रही है ये देखिए ठीक है, दिस फॉलिकल इज नाउ कॉल्ड एज फॉलिकल क्या नाम है इसका टर्शरी फॉलिकल ओके जी रेडी टू वोट हो रहा है बिल्कुल ready to ovulate हो रहा है. This is maturing even more. हो है, ठीक ये देखिए, बहुत गया कैविटी भी बड़ी हो गई है एंट्रम भी बड़ी हो गई है रेडी सेकेंडरी ओसाइट इज रेडी टू बी डिलीवर्ड दिस इज नाउ कॉल्ड एज मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर ग्राफियन ग्राफियन बेटा ग्राफ बंदे का नाम था साइंटिस्ट का नाम था इसीलिए इसका नाम हो गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बेटा ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ही अगर 28 डे का साइकिल है तो फोर्टीन डे से थोड़ा सा पहले टूटता है और इसमें से सेकेंडरी यूसाइट बाहर निकलता है यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन में इसी स्टेज से सेकेंडरी यूसाइट बाहर निकलता है यानी कि इसी जगह पर क्या होती है ओव्यूलेशन होती है ओव्यूलेशन होता है रिलीज ऑफ सेकेंडरी यूसाइट

ठीक है जी कॉर्पस ल्यूटियम के बाद एक वाइट बॉडी बच जाएगी जिसका नाम है कॉर्पस यस कॉर्पस एल्बिकन्स ओके बच्चों क्लियर है क्लियर हो गया दिस इज द सेक्शन ऑफ ओवरी सेक्शन ऑफ ओवरी ओवरी इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर बादामी ओवरी है बेटा हमारी ऑलमंड शेप स्ट्रक्चर है ना जैसे वो गाना नहीं है बदामी रंग थे तो डैश 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 मुझे नहीं आता है बट मुझे इतना पता है बदामी रंग गाना है तो ये यार ये या सॉलिड है और ऑलमंड शेप स्ट्रक्चर बादाम बादाम तुम्हें रोज खाने चाहिए है ना बादाम रोज खाने चाहिए मैं बादाम दिखाती हूँ यार तुम्हें ये रहा बादाम दिख रहे कैन यू सी हाँ ये बादामी स्ट्रक्चर है ये देखो ऐसे बादाम पड़ा है कैसे दिखाऊं ऐसे पड़ा बेटा देखो बादाम की तरह जूम नहीं हो पाएगा बेटा ये बादाम बट तुम समझ जाओ बादाम की एक साइड नोक होती है ये देखो ये नोक है इस तरीके से यहाँ लिगामेंट है बहुत सारे यहाँ बहुत सारे लिगामेंट्स है ठीक है बादामी ओवरी है हमारी तुम उस गाने से रिलेट नहीं कर पा रहे हो बादामी रंग तुम्हें कच्चा बादाम याद आ रहा है ठीक है यार कच्चा बादाम वाला वो कर लेना तुम्हें कोई कच्चा बादाम की रील डाले ना तुम बोलो करो कच्चा बादाम नहीं है ये पकी हुई ओवरी है यार पकी हुई ओवरी है ऐसी बात मत किया करो ठीक है जी चलो तो ये ओवरी हो गया हम के साथ ही करेंगे कल की कक्षा में आज हम इससे अगला पोर्शन करते हैं तो ओवरी क्लियर हो गया ओवरी क्लियर हो गया हमें ओवरी के अंदर ओवर रेडी हो रहा है फॉलिकल के अंदर अब यार ऑस्टिया ने इस अपने फिंगर लाइक फिम्बरी की मदद से इसको पकड़ लिया पकड़ने के बाद बेटा ये किसमें एंट्री मारा होगा किसमें एंट्री मारा होगा आपके अ फेलोपियन ट्यूब के अंदर किसके अंदर एंट्री मारा फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब में मैंने बताया पहला हिस्सा इनफंडिबुलम में जो ब्रॉड पार्ट है वो एम्पिला है और उसके बाद इस्थमस आ जाता है फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट हमने बोला है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमने पहले लिख लिया दैट इज एम्पिला तो इसमें मैं और कुछ नहीं बता रही और कुछ है भी नहीं देन बेटा एक बात बतानी थी कि जब यहां से ओवा चलेगा क्या ओवा के पैर है ओवा के पास सीलिया है

और इधर वाली साइड भी सीलिया है ये सीलिया ही तो ओवा को धक्का मार कर लेकर जाएगा ओवा के खुद के पैर नहीं है भैया स्पर्म के तो खुद के पैर थे स्पर्म के पास ऐसे फ्लजिला है उसकी हेल्प से चला जाएगा लेकिन इसके खुद के पैर नहीं है ठीक है जी तो यानी कि द फेलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूं इट इज लाइंड बाय एपिथेलियम है ना बच्चों सिलियटेड एपिथिलियम बेटा सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे मेरे ही नाम से सीप पाहुजा आगे बायलॉजी एक लाख से ऊपर बच्चे हैं उसमें करेक्ट वाले में जाना ठीक है जी और <coughs> ठीक है सीलिएटेड एपिथिलियम तो ओवरी ओहो क्वेश्चन आ गए अभी नहीं बताने क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं हम इसके यूट्रस के पार्ट पे फिलोपियन फेल, डक्ट हो गए देन कमिंग टू द यूट्रस यूट्रस की बात करें तो यूट्रस है, है यूटरस के पास तीन लेयर्स है तो ये आपका यूट्रस हो गया ये आउटर लेयर हो गई देन बेटा बीच में आपकी प्रेजेंट है इस तरीके से यस yes. देख रहे हो थ्री लेयर्स हैं बाहर वाली ब्लू है बीच वाली मैंने ग्रीन कलर से मोटी सी लेयर बनाई है ओके एंड देन आई विल ड्रॉ अनदर लेयर लाइक दिस बेटा आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप ये क्लासेस रोज लगाओगे नहीं तो सूरज जैसा तपना नहीं हुआ ये इनको सिर्फ चमकना है चमकने के लिए तपना है रोज क्लास लगानी है तो यार फेलोपियन क्या कह रहे हैं यूट्रस विच इज इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यार यूट्रस का दूसरा नाम क्या बताया था बच्चों हिस्टेरा वूम्ब हिस्टेरा तभी यूट्रस के रिमूवल को हिस्टरेक्टमी बोलते हैं वूम्ब शक्ल कैसी है बेटा ओवरी तो हमारी बदामी थी ये क्या है इन्वर्टेड पियर है इन्वर्टेड पियर तो मैं यार इन्वर्टेड पियर कैसा होता है शुड आई शो यू ओके रुक जाओ इन्वर्टेड पियर यस हम्म हम्म। यस। लेट मी जस्ट शो यू देख रहे हो दिस इज इन्वर्टेड पियर यस इन्वर्टेड पियर उल्टा नाशपति उल्टा नाशपति जैसा स्ट्रक्चर है कैन यू सी ये देखो ये शेप है शेप तुम देख ही लो यार ऊपर से चौड़ी शेप है फंडस की है ना बॉडी चौड़ी है नीचे सर्विक्स आके पतला होता जा रहा है ठीक है सर्विक्स आके पतला होता जा रहा है तो नाशपति खाइए ना वही उल्टी नाशपति ठीक है इनवर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर ऊपर से चौड़ा फंडस नीचे से पतला सा सर्वेक्स तो इसी शेप में हमारा यूट्रस, फीमेल का प्रेजेंट होता है है ना देख लो ये असली नाशपति है बेटा नाशपति को उल्टा करके देखना है सबने है ना चलो बहुत बढ़िया आ जाओ जी तो अब बेटा इस नाशपति इस पियर के अंदर जो वॉल है ये पूरी वॉल है बेटा इसकी ये क्या है पूरी की पूरी वॉल है इसकी इसकी वॉल को बेटा जी अगर अच्छे से देखा जाए तो इसकी वॉल में आगे तीन लेयर्स हैं क्या है तीन लेयर्स प्रेजेंट है वॉल के अंदर तीन लेयर्स प्रेजेंट है द आउटर मोस्ट लेयर जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है दिस आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज पेरीम क्या नाम दिया है बेटा मैंने इसका पेरी ठीक है जी आउटर थिन फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है देन अंदर बेटा स्पेशल टाइप की मसल्स है जो मसल्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ये स्मूथ मसल है ये बच्चे का जब जन्म होता है उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और पुश करती हैं बच्चे को नीचे की साइड पर बजाइना के साइड पर सो दी दीज आर द मस्कुलर लेयर दिस इज द मस्कुलर लेयर एंड मसल के लिए जो टर्म यूज होता है मसल के लिए बेटा जी टर्म यूज होता है दिस इज कॉल्ड एज मायो है ना तो ये कैसी मेट्रियम है मायोमेट्रियम है अब बेटा ये मसल क्या तुम अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो कोई डोले शोले तो नहीं है कि मन आया ऐसे ऐसे करने लग गए नहीं बेटा इन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इन वॉलेंट्री सिग्नल आते हैं बहुत सारे हॉर्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं सो दीज आर इन वॉलेंट्री मसल्स इन वॉलेंट्री मसल्स कौन सी रहेंगी बेटा आपकी स्मूद मसल है ठीक है स्मूद मसल है अब जरा ये बताओ जरा ये बताओ बेटा क्या ऐसा होगा कि इतना मसल का हिस्सा अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा इतना अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा इतना अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, करेगा, करेगा नहीं ना नहीं ना सारी की सारी मसल लेफ्ट साइड की राइट साइड की एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जब कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होता है उस टाइप की स्मूथ मसल क्या होती है बताओ बताओ जब बेटा कंट्रैक्शन एक साथ होता है द ऑल कॉन्ट्रैक्ट एज़ अ सिंगल यूनिट उस मसल को उस मसल को बेटा जी हम क्या बोलते हैं सिंगल यूनिट स्मूद मसल अलग-अलग तो नहीं होएगा ना कि लेफ्ट साइड वाला कह रहा मैं करूंगा राइट साइड वाला कह रहा नहीं मेरा मन नहीं है मैं सो रहा हूं नहीं बेटा सारी की सारी मसल लेफ्ट राइट साइड की एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बच्चे को नीचे की तरफ पुश करेंगे या फिर इनका कॉन्ट्रैक्शन बेटा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है तो उस कॉन्ट्रेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं उस टाइप की मसल को क्या बोलते हैं सिंगल यूनिट स्मूथ मसल तो दो हो गया दो हो गया देन आता है बेटा ये जो मोटी सी लेयर लेना है ग्लैंडर है दिस इंटरनल लेयर इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम दिस इज बेटा जी कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम क्या नाम दोगे बेटा इसको एंडोमेट्रियम मोटी है मोटी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड है इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल है और बेटा टेम्प्रेरी है ये हर समय ऐसे मोटी नहीं रहेगी कभी टूटेगी फिर बनेगी टूटेगी बनेगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही तो चक्र चलता है यही तो चलता है कि जब मन आया मोटी कर लिया जब इनको लगा कि अच्छा अभी इम्प्लांटेशन हो सकती है मोटे हो गए फिर जब इनका दिल टूट गया कि यार इम्प्लांटेशन नहीं स्पर्म ही नहीं आए फिर टूट जाएगी फिर एक उम्मीद में मोटी होती है कि यार शायद इंप्लांटेशन होगी शायद स्पर्म आ गए होंगे बट नहीं हो कि, कि तो रहती रहती है। है? प्रेगनेंसी में पूरा थिक रहेगी क्योंकि इसको बच्चे को सपोर्ट करना है लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई स्पर्म नहीं आए तो यार टूट जाएगी इट इज हाईली ग्लैंडुलर लेयर ग्लैंडुलर है बहुत ही वैस्कुलर भी है बहुत ही थिक है वास्कुलर लेयर है और बहुत ही थिक है इसकी जो आउटर है, है।, तो तो है, है वो, तो है। लेकिन वाली जो, you know, uh, वो जब इम्प्लांटेशन होती है जब उसके इंतजार में होता है तब ये बनता है रहता है कुछ देर इंतजार करता है जब इंतजार खत्म हुआ नहीं आए स्प चलो छुट्टी टूट रहे काम खत्म करें सो so विद दिस वन नेक्स्ट चलते हैं बेटा लास्ट स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है सर्विक्स और वेजाइना क्या है सर्विक्स एंड बेटा यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो सिर्फ पीडीएफ के लिए आए हैं जो सिर्फ पीडीएफ के लिए आए हां जी बेटा क्लास का टाइम नहीं चेंज होगा ऑस्ट्रियम छेद है बेटा ये फेलोपियन ट्यूब है ये फिम्बरी है आगे यहाँ छेद है

नॉन क्योंकि वेट है है एपिथेलियम बेटा वजाइना के थ्रू ही आपका जो पीनस है वो अंदर इंसर्ट होकर अपने सीमेन को रिलीज करता है यानी कि जो इनसेमिनेशन है वो वजाइनल केनॉल में ही होता है शन इनसेमिनेशन समझ गए ना ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इन टू द फीमेल पार्ट दैट इज डन बाई द कॉपिलेटरी स्ट्रक्चर और वो जो कॉपिलेटरी स्ट्रक्चर था वो कौन सा था पीनस था या ने लिखा इसको कॉपिलेटरी स्ट्रक्चर लिख लो बेटा दिस इज द कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर कॉपिलेटरी ऑर्गन ठीक है कॉपुलेशन का मतलब है अगेन द मेटिंग द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिटिन टू द फीमेल बॉडी दिस इज डन बाई पीनस और ये पीनस ये काम कहां पर करते हैं वजाइना के अंदर बेटा इनको रिलीज कर देते हैं तो वजाइना फॉर्म अ केनॉल विच इज कॉल्ड एजनल कैनॉल ठीक है ये जो वैजनल कैनॉल है ये कॉप्युलेटरी केनॉल कहलाती है क्योंकि बेटा कॉप्युलेटरी केनॉल कहलाती है क्योंकि बेटा इसी के अंदर पीनस विल बी इंसर्टेड एंड इट विल रिलीज इट्स

क्या बोला जाता है बेटा जी इसको हाइमन ठीक है जी अब यार पुराने जमाने में पुराना जमाना तो मैं क्या कहूं आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि द हाइमन है जो हाइमन है वो टूटता है व्हेन द फीमेल फर्स्ट टाइम कॉपुलेट्स और व्हेन द फीमेल फर्स्ट टाइम हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत सारे लोगों का ये धारणा इसको बेटा बहुत ध्यान से सुनना बहुत सारे लोगों की ये धारणा है कि हाइमन का टूटना सिर्फ तब होता है जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेनी पीपल थिंक दैट प्रेजेंस ऑफ हाइमन इज द इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी कि फीमेल एक वर्जन है अगर उसके पास हाइमन है जबकि यह धारणा बिल्कुल बिल्कुल गलत है हाइमन बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले और उसके बाद भी टूट सकता है यानी कि प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ हाइमन इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ वर्जेनिटी हाइमन कभी भी टूट सकता है बेटा जब भी झटके वाला काम हो कभी फीमेल हॉर्स राइडिंग कर रही है बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रही है कभी झटका लग गया या स्विमिंग कर रही है साइकिलिंग कर रही है इंसर्शन ऑफ टैम्पोन्स इन सब से भी बेटा हाइमन टूट सकता है तो सेक्शुअल इंटरकोर्स का होना जरूरी नहीं है इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है इवन आफ्टर हैविंग सेक्शुअल इंटरकोर्स हाइमन स्टेज ठीक है हाइमन स्टेज तो बेटा यह जरूरी नहीं है कि सेक्शन इंटरकोर्स पे ही टूटेगा इट कैन ब्रेक ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी फर्स्ट तो बेटा सेक्शन इंटरकोर्स पे तो टूट ही सकता है लेकिन यह बेटा और भी चीजों पे टूट सकता है जैसे कि हॉर्स राइडिंग हॉर्स राइडिंग इट कैन ब्रेक ड्यूरिंग सडन जॉल्ट जॉल्ट का मतलब होता है कोई झटका लगेगा इट कैन ब्रेक ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ द टैम्पोन्स इंसर्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल कप देंस्ट्रल कप मैं कप बेटा दीज आर ऑल्टरनेटिव ऑफ सैनिटरी नैपकिन ठीक है जी इट कैन ब्रेक ड्यूरिंग साइक्लिंग इट कैन ब्रेक ड्यूरिंग साइक्लिंग तो बेटा क्या हम बोल सकते हैं कि अगर किसी के पास हाइमन है तभी वो फीमेल वर्जन है नहीं बेटा सो so, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ हाइमन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बेटा एनसीआरटी लिखती है इट इज नॉट नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर इंडिकेटर ऑफ वर्जेनिटी ठीक है बेटा इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जेनिटी नो आएगा इसके अंदर ठीक है इसके अंदर क्या आएगा नो no, आएगा क्लियर बात क्लियर हो गई सबको सो विद दिस वी आर डन विद द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब आते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे ठीक है जी नेक्स्ट कम्स द वल्वा ये सारे नोट्स बेटा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तो टेंशन मत लेना अगर थोड़ा सा छूट जाता है तो कवर कर लेना वैसे तो साथ साथ लिखा करो साथ लिखोगे तो कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं होगा हो ही नहीं सकता यार मेरी क्लास में बैठकर तुम्हें क्लास के अंदर लर्न करने की आदत हो जानी चाहिए क्लास के अंदर समझना और लर्न करना बस क्लास के बाद तुम एनसीआरटी रीड करनी है जान के तुमसे खुद करवा रही हूं ताकि तुम्हारा फोकस बढ़े और बेटा उसके बाद शाम को पांच बजे के प्रैक्टिस क्लास पिन की हुई है आई होप आपने एनरोल कर लिया कर लिया कर लिए बेटा जोल्ट का मतलब होता है झटका जोर का झटका हाय पता नहीं कौन सा झटका हाई जोरों से लगा हाई लगा हाँ लग गया

हम लोग बोलते हैं वल्वा ये इसी का दूसरा नाम है ठीक है वल्वा is the other name of female external genitalia. तो बाहर से जब हमने देखा एक्सटर्नली ओहो पेंसिल खत्म हो गई यार इसको एक मिनट लगता है चार्ज होने में पानी पियो जब जब पेंसिल जवाब देगी तब तक हम लोग पानी पियेंगे सेशन को लाइक like नहीं कर रहे यार एनरोल कैसे करें कह रहे हैं बेटा स्पेशल क्लास एक प्रैक्टिस क्लास है जिसपे क्लिक करते तुम्हें एनरोल करना है ये है प्रैक्टिस क्लास पेंसिल चार्ज हो रही है अभी हमने बनाना है वो डोंट वरी ये प्रैक्टिस क्लास है मैंने पिन किया हुआ है ऐसी दिखेगी क्लास बेटा तुम्हें ऐसी दिखेगी इस पर क्लिक करोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रैक्टिस दिख रहा है स्टार्ट ऑन डिसम्बर नाइनटीन पाँच बजे शुरू होगी कितने बजे पाँच बजे ठीक है वहीं पे एनरोल का ऑप्शन आएगा यार क्लिक कर देना फ्री क्लास है बिल्कुल फ्री क्लास है बेटा ठीक है आज की स्पेशल क्लास है ये आज की रोज़ होगी रोज़ पाँच बजे क्लास होगी रोज़ यहाँ पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और मैं तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करूंगी तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करूंगी ओके कुछ खाया नहीं अभी तक कह रहे हैं कुछ खाया नहीं अभी तक बेटा तो क्या कर रहे थे हैं खाया नहीं तो व्रत रखा हुआ है क्या कौन सा व्रत रखे हैं बेटा खाने पीने को भी आपको पूरा ध्यान देना है बैलेंस डाइट लिया करो जैसे मैं एक हैवी ब्रेकफास्ट करके आई हूं आप भी हैवी ब्रेकफास्ट करके है मुझे अभी तक भूख नहीं लग रही है देखो मैं तो खड़ी हूं इतनी देर से बोल रही हूँ है ना आई एम राइटिंग ऑल्सो यू आर जस्ट लिसनिंग यू आर ऑल्सो राइटिंग बट बेटा खा पी के आया करो ब्रेकफास्ट करके आया करो और इसके बाद हम लंच करेंगे और फिर पांच बजे मिलेंगे ठीक है जी एक्सटर्नल जेनेटिली और वल्वा की बात करें तो फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले बेटा हमारे पास एक फैटी टिश्यू है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस यस एक फैटी टिश्यू है विच इज लाइन बाय प्यूबिक हेयर लाइन बाय प्यूबिक हेयर ये कौन से हेयर है प्यूबिक हेयर ठीक है जी मॉन्स प्यूबिस एक uh, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है ये ठीक है देन इसके नीचे स्ट्रक्चर आता है लिप लाइक फोल्ड आते हैं कुछ कुछ ना लिप लाइक फोल्ड आते हैं तो देर इज बिगर लिप लाइक फोल्ड एंड अ स्मॉलर ठीक है जी सो लेट मी ड्रॉ द लिप लाइक फोल्ड्स ठीक है सो दीज आर द बिगर लिप लाइक फोल्ड दिस बिगर लिप लाइक फोल्ड इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज लेबिया मेज्योरा ये जो बड़ा वाला लिप लाइक -like फोल्ड है बेटा जी इसका नाम है लेबिया मेज्योरा लेबिया का मतलब ही होता है लिप लाइक ठीक है जी यस yes. इसके अंदर बेटा स्मॉलर लिप लाइक फोल्ड है ये देखिए ये देख रहा हाँ इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा इसको मैं ऐसे ऐसे बना देती हूँ शेडेड uh, सा बना दिया बेटा मैंने दिस इज लेबिया माइनोरा लेबिया अगेन लिपलाइक हो गया माइनोरा मतलब छोटा ठीक है जी इसके अंदर जितना भी स्पेस है ये देखिए इसके अंदर बेटा जितना भी स्पेस है स्पेस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल स्पेस को बेटा हम क्या बोलते हैं वेस्टिब्यूल तो इसको हम थोड़ा सा वो कर देते हैं हाईलाइट कर देते हैं ये सारा जो मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ बेटा इस सारे स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं वेस्टिब्यूल बोलते हैं ठीक है जी ज वेस्टिब्यूल ओके जी वेस्टिब्यूल के अंदर जाइए अंदर जाइए आपको कुछ ओपनिंग दिखाई देगी कुछ आगे की साइड पर दिखाई देगी और कुछ पीछे की साइड पर दिखाई देगी यहां पर दो ओपनिंग बेटा तुम्हें तो दिखाई देगी आगे की साइड पर जो ओपनिंग है येस yes, बच्चो आगे की साइड पे जो ओपनिंग है ये ये बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग यस दिस इज कॉल्ड एज इसको थोड़ा इधर धक्का मार दू पूरे को

इस पूरे स्ट्रक्चर के बाद यहाँ थोड़ा सा गैप आता है थोड़ा सा गैप आता है The gap is called as perineum, और इस गैप के बाद आती है बेटा आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं एनस इसको बेटा हम क्या बोलते हैं एनस और एक खाली जगह है बेटा आपका पेरिनियम ठीक है जी तो मतलब फीमेल की बॉडी में तीन ओपनिंग्स हुई टोटल ठीक है तीन ओपनिंग ओपनिंग टू द आउटसाइड पहली ओपनिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग जहां से यूरिन रिलीज होगा यूरिन रिलीज कहां से होगा बेटा यूरेथ्रल ओपनिंग से देन उससे पीछे जाओगे तुम्हें क्या दिखेगी वजाइनल ओपनिंग दिखाई देगी वजाइना से ही कॉप्युलेशन होगी और वजाइना से ही बच्चे का जन्म होगा अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो सो इट इज अ बर्थ कैनॉल एज वेल एज इट इज अपुलेशन केनॉल वो वजाइना हो गया देन आपके पास आता है एनस एनस इज द ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तो यहाँ से जो एक, आपका अनडाइजेस्टेड फूड है अनएब्जॉर्ब फूड है वो बेटा यहाँ से फीसिस के फॉर्म में निकल जाएगा तो तीन ओपनिंग्स हुई फीमेल की पूरे बॉडी में देन बेटा जहां पर जहां पर लेबिया माइनोरा मिलती हैं जहां पर बेटा दोनों लेबिया माइनोरा मिलती है ये दिख रहा है ये देखिए ये ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये बहुत ही

लिख सकते हैं हां जी क्लियर हो गया यस yes. अब बेटा इस वेजाइना के आसपास ध्यान देना वजाइना के साइड पे दोनों साइड पर एक ग्लैंड लोकेटेड है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्युब्रिकेशन वेजाइना के साइड पर एक ग्लैंड है बेटा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्युब्रिकेशन वहां कौन था ल्युब्रिकेशन के लिए मेल में काउपर्स यहां पर भी बेटा एक ग्लैंड है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्युब्रिकेशन दिस इज कॉल्ड एज बार्थोलेंस क्लैंड बार्थोलिन ग्लैंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेटर वेस्टिगुलर ग्लैंड एंड द फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड इज ल्युब्रिकेशन क्या नम, क्या फंक्शन है बेटा ल्युब्रिकेशन ठीक है जी ये देखो बार्थोलिन ग्लैंड वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड्स पे बार्थोलिन ग्लैंड तो कन्फ्यूज नहीं होना यार बच्चे बल्बो एरेथरल और बार्थोलिन में कन्फ्यूज हो जाते हैं बल्बो एरेथरल मेल में बार्थोलिन फीमेल में बार्थोलिन फीमेल में ठीक है जी एक्सटर्नल तो जेनेटिलिया हो गया अब एक ग्लैंड बनाना बचा है दैट इज कॉल्ड एज अ मैमरी ग्लैंड ठीक है जी दैट इज कॉल्ड एज अ मैमरी ग्लैंड रेडी टू ड्रॉ मैमरी ग्लैंड बच्चों बता दो फटाफट से बस यही बनाएंगे आज हां जी बना ले तो मैमरी ग्लैंड बेटा एक एक्सेसरी ग्लैंड है फीमेल की बॉडी में ही प्रेजेंट है मेल के पास भी मैमरी ग्लैंड होते हैं बट वो नॉन फंक्शनल है उनमें वेस्टिजियल है किसी काम के नहीं है लेकिन फीमेल में बेटा इनका बहुत बड़ा रोल होता है पहला रोल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है जहां पर मिल्क बनता है और बच्चे की फीडिंग होती है नर्सिंग होती है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड सो लैक्टेशन में इनका बहुत बड़ा रोल आता है ठीक है जी लैक्टेशन में बहुत बड़ा रोल आता है फीमेल में जो मैमरी ग्लैंड है वो अपर चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है ह्यूमन फीमेल में सब में नहीं होते बेटा फीमेल ह्यूमन फीमेल में अपर चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है इसको थोरासिक रीजन बोलते तो ये थोरासिक में आगे एज अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है लेकिन अगर तुम काउ बफेलो में देखोगे बफेलोज में देखोगे तो यार उनमें एबडोम रीजन में नीचे पीछे की साइड पर है पेट के पीछे की साइड पर हमारे चेस्ट वाली साइड पर है तो ह्यूमन में बेटा जी अगर देखा जाए सो दे आर थोरासिक प्रोमिनेंस थोरासिक रीजन में ना लेकिन काउ और बफेलो में ओ और बफेलो में बेटा किस रीजन में प्रेजेंट होंगे आपके अब रीजन में प्रेजेंट होंगे तो याद रखना है आपको दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड मॉडिफाइड बेटा जी स्वेट ग्लैंड ठीक है जी सो शुड वी ड्रॉ शुड वी ड्रॉ हाँ जी ड्रॉ करें चलिए आ जाइए एक्स्ट्रा बताओ तो दिक्कत ना बताओ तो दिक्कत हांजी ओके जी हाँ जी तो बेटा मैमरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट होते हैं बेटा बहुत सारे मैमरी लोब्स ठीक है लोब्स एक ग्लैंड के अंदर एक के अंदर मैं इधर आ जाती हूँ एक के अंदर बेटा पंद्रह से बीस लोब्स होते हैं कितने पंद्रह से बीस तो मैं यहाँ पे दो ही बनाऊंगी देख रहे हो तो यहाँ दूसरा ये मैंने क्या बनाए मैमरी लोब्स मैमरी ग्लैंड के अंदर होते हैं कितने मैंने बताए देर आर टोटल फिफ्टीन टू ट्वेंटी बेटा ये नंबर याद रखना बड़ा जरूरी है सेमिनिफेर ट्रिब्यूल एक से तीन थी इन टेस्टिकुलर लोब्यूल जो कि 250 थे ये 15 से 20 एक मैमरी ग्लैंड के अंदर मैमरी लोब्स होंगे ठीक है जी मैमरी लोब्स होंगे मैमरी लोब में अंदर तुम्हें दिखेगा ये स्ट्रक्चर ठीक है देख रहे हो ये एक बलून जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाय क्या बोलते हैं बेटा जी इसको एल्वियोलस एक को बोलेंगे एल्वियोलस ठीक है एल्वियोलस इससे निकलेंगी छोटी छोटी डाक्ट्स मैमरी टिब्यूल्स देख रहे हो यस yes. ये मैमरी टिब्यूल्स बेटा आगे जुड़ रही हैं ये जुड़ती हुई जा रही है जा रही है एल्वियोलस एंड देन बेटा मैमरी टिब्यूल इसने भी यहाँ पर एक एम्पूला टाइप स्ट्रक्चर बनाया एंड अल्टीमेटली बेटा लैक्टिफेरस डक्ट बना के बाहर ठीक है तो एल्वियोलस से निकले यहां भी बना दू चलो जी बना देते हैं ठीक है मोटा सा स्ट्रक्चर बनाया लैक्टिफिर डक्ट बनाई सो so दिस इज एल्वियोलस एल्ब्योलस से निकली मैमरी डक्ट मैमरी टिब्यूल बेटा मिलके बनाएंगे मैमरी डक्ट मैमरी डक्ट आगे जाके बनाएगी सा स्ट्रक्चर जिसका नाम है एम्प्यूला ठीक है जी एम्प्यूला से निकलेगा लैक्टिफेरस डक्ट ठीक स वर्ड मिल्क से रिलेटेड है एंड अल्टीमेटली बेटा डक्ट विल विल कम आउट इट ओपनिंग ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम लोग निपल निपल इज लाइंड बाय इज लाइंड वेरी डार्क कलर्ड स्किन दिस डार्क कलर्ड स्किन बेटा इज कॉल्ड एज एरियोला क्या नाम देंगे बेटा जी इसको एरियोला ठीक है जी अब जो साइज ऑफ मैमरी ग्लैंड है वो डिपेंड करता वो तो तो से 20 रहेंगे. कितना है तो यहां पर फैटी टिश्यू दिस इज ऑल द फैट ठीक है जितना ज्यादा फैट होगा उतना ही ज्यादा साइज होगा नेक्स्ट डिपेंड करते हैं बेटा ये जो मेमोरी ग्लैंड है इनके पीछे एक स्पेशल मसल है एंड दैट मसल इज कॉल्ड एस्पेक्टोरालिस मेजर यहां बना रही हूं बेटा क्या मसल है पेक्टोरालिस मेजर मेजर ओके बच्चों यस ओके तो मिल्क बनेगा कहां पर मिल्क बनेगा कहां पर बेटा यहां बनेगा मिल्क एल्वियोलस में बना Alveolus में ऐसे आएगा मैमरी टिब्यूल टिब्यूल से आएगा डक्ट में डक्ट से होता हुआ जाएगा एम्पूला में एम्पूला से जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में और लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर अगर कोई तुमसे पूछे पर मैमरी लोब कितनी लैक्टिफेरस होती है बताओ पर मैमरी लोब कितनी लैक्टिफेरस डक्ट होती है जरा बताना पर मैमरी लोब बेटा कितनी लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं पर मैमरी लोब कितनी लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं यस आंसर इन द चैट बॉक्स पर मैमरी लोब कितनी लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं बेटा पिन की हुई लिंक पे एनरोल नहीं हो रहा ऐसे नहीं हो सकता बेटा सारी दुनिया यहाँ से एनरोल कर रही है आप ध्यान से क्लिक कीजिए आपके पास अना अकेडमी का ऐप होना चाहिए बेटा ऐप डाउनलोड कीजिए लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए ठीक है लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए ठीक है जी तो पर मैमरी ओह पर मैमरी लो बेटा एक ही लैक्टिव डॉक्ट होती है वन ठीक है जी हर यहां से एक ही आ रही है ये, ये येलो वाला पूरा मेमोरी लोब है एक में से एक ही आ रही है बेटा क्वेश्चन पास्ट में आपको फ्लो ऑफ मिल्क पे भी आ चुका है मिल्क एलव्यूल से कहा जाएगा मेमोरी से जाएगा डक्ट, डक्ट के बाद जाएगा एम्पुला ये एम्पुला ध्यान दो ये डक्ट और डक्ट से निप्पल टिप्पल कोई बेटा टीट भी बोलते हैं और यहां से होता हुआ बाहर ठीक है अब मिल्क का जो फॉर्मेशन है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क बेटा किस हार्मोन के अंदर होता है फटाफट से बता दो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन मिल्क मिल्क बनवाता है, milk को इजेक्ट कौन कराएगा मिल्क को इजेक्ट कौन कराएगा इजेक्शन ऑफ मिल्क इज अंडर ऑक्सीटोसिन इजेक्शन ऑफ मिल्क इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन ठीक है जी चलो जी सो विद दिस विद दिस बचो वी आर डन विद द मेमरी ग्लैंड एंड द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है स्ट्रक्चर आज सारे कर लिए मेल का भी पूरा स्ट्रक्चर कर लिया फीमेल का भी कर लिया अब अगली कक्षा में हम लोग क्या करने वाले हैं गैमिटोजेनिस करेंगे दोनों की जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं एंड बेटा हम लोग करेंगे हम लोग करेंगे चलो कुछ क्वेश्चंस। हां जी बेटा आ जाओ जितना हमने किया उसके बेसिस पर क्वेश्चंस करें अभी मैंने कहा था लेटेस्ट वाले मैं आपको यहीं पे सॉल्व करवाऊंगी बाकी के बचे हुए हम क्वेश्चंस करेंगे स्पेशल क्लास में और डीपीपी ये सब चीजें बेटा आपको मिलेंगी मेरे लिंक चीजेंगी और मेरे टेलीग्राम पर दोनों चीजों को ज्वाइन करके रखना जितना आज किया बेटा फटाफट से बता दो समझ आया कि नहीं आया सेशन को लाइक करके बताइए यस yes, सेशन को लाइक करके बताइए समझ आया कि नहीं आया आज मैंने स्पीड ज्यादा नहीं रखी है क्योंकि आज आपकी पहली कक्षा थी अगर आज मैं ज्यादा रखती तो तुम बोलते अरे मैम हक गए हम यस आज ज्यादा स्पीड नहीं रखी है मैंने ठीक है कल थोड़ी सी हम इसको धीरे धीरे करके करेंगे अभी सौ दिन है सौ दिन में आराम से सिलेबस पूरा, सिले पूरा होता है आराम से सिलेबस पूरा होता है यस बचो हाँ जी बेटा ट्वेंटी नाइनटीन का सवाल है ट्वेंटी नाइनटीन का सवाल है किसके में से सवाल आया है किसके में से आया है स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से कहां से आया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर में से करेक्ट पाथवे ऑफ द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म

अगला देखते हैं कैपेसिटेशन तो अभी करना है करना है हाँ जी 2014 का क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है पेज नंबर 43 मैंने एनसीईआरटी मेंशन कर दी है कि किस पेज पे दिया हुआ है तो तुम जाकर आराम से देख सकते हो यस yes, बेटा द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड द यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज

ये जो बच्चे यूरेटर के साथ जा रहे हैं यूरेटर पता है क्या होता है बेटा ये यूरिनरी ब्लैडर है ये यूरेटर है दीज आर यूरेटर जो यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं ब्लैडर से आगे ये यूरेथ्रा है बेटा इसी यूरेथ्रा के अंदर तो यहां से वास्ट एफरेंस आके जुड़ी थी कहा हो एक्सक्रीटरी सिस्टम जीरो चल रहा है क्या जीरो चल रहा है बेटा यूरेटर तो सेमिन ब्लैडर में खुलती है ब्लैडर से बाहर कौन सी जाती है यूरेथ्रा जाती है ठीक है जी यूरेथ्रा जाती है नेक्स्ट चलते हैं अपने यस yes, नेक्स्ट 2011 में आया था बेटा पेज नंबर 43 पे ही ये मेंशन किया हुआ है पेज नंबर चेक कर लेना बेटा वहीं पे दिया हुआ है मैं आपके एनसीआरटी के पेज नंबर के हिसाब से चल रही हूँ इफ फॉर सम रीजन वास आई इन द ह्यूमन सिस्टम इज ब्लॉक्ड द गैमिट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कहां से कहा गैमिट नहीं जाएंगे यस yes, कहां से कहां नहीं जाएंगे पढ़ लो गैमिड विल नॉट गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम 2011 मतलब सिस्टम पे सवाल आया सिस्टम पे सवाल आया है तो गैमिट कहां से कहां नहीं जाएंगे क्या एपिड से वास्ट्रेंस नहीं जाएंगे उनको क्या फर्क पड़ रहा है यार ओवरी टू यूट्रस वहां तो कुछ जा ही नहीं रहा जाइना टू यूट्रस ये तो कतई आंसर नहीं हो सकता ये कह रहे हैं वासा इफ्रेंशिया ब्लॉक्ड है तो हम ब्लॉक करके दिखा देते हैं क्या बात है वासा इफ्रेंशिया ये ब्लॉक कर दिया

ओके okay, मैं देख रही हूँ बेटा और कौन सा है हमारा यस सिंपल सवाल 2019 में आया था इसको तुम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले से भी देख सकते हो यस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पेज नंबर 47 पे दिया हुआ है वैसे तो आसान है थोड़ा सा प्रेगनेंसी रिलेटेड भी है बट तुम दे सकते हो यार इसका आंसर यू कैन गिव दिस आंसर नाइनटीन्थ करेक्ट सीक्वेंस हाँ जी बेटा थोड़ा सा प्रेगनेंसी से रिलेटेड बट यू कैन अपियर yes, yes, सोचो सोचो ग्यामीट बने, ग्यामीट बनने के हुआ, हमें फर्टिलाईजेशन हुई देन अंदर जाकर ठीक हुई, हुई, है बाद बेटा वो डिवाइड करेगा पहले डिफरेंशियट कर जाएगा बुद्धू बच्चों ये जो ए के साथ जा रहे हैं यहाँ तक तो चलो ठीक है बाद में करोगे क्या पढ़े हो पहले बेटा डिवाइड करोगे क्लीव करोगे तब जाके डिफरेंट होगा ना और फिर ऑर्गन बनेंगे कैसे? कैसे ब्लेंडर कर दिया? तो आंसर इस बी नॉट ए, आंसर इस बी, ए।, ए कैसे हो जाएगा? पहले कर रहे हो डिविजन बाद में कर रहे कितनी बुद्धू वाली बात होगी पहले डिवाइड करेंगे और उसके बाद बेटा सेल्स को डिफरेंशियट करेंगे ठीक है जी तो बी आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा चलो सो विद दिस बेटा वी आर डन अब मिलते हैं हम लोग पांच बजे की स्पेशल क्लास में आज जितना करा बेटा उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस करेंगे और कोई डाउट्स हो तो बेटा वहां पर लेके आ सकते हो सेशन आपको कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर लिख कर बताना कमेंट्स बेटा आपके जरूर मैटर करते हैं और एक बात याद रखना पहले दिन जो जोश है अगर वो आखिरी दिन तक नहीं रहा तो कभी नीट क्रैक नहीं होगा तो ये जो आग है तुम्हारी बेली के अंदर आग है तुम्हारे पेट के अंदर जो आग है ये चलती रहनी चाहिए कल बेटा कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए काफी बड़ा चैप्टर और काफी अच्छा चैप्टर है ठीक है जी तो प्रैक्टिस क्लास में सब बच्चे आने चाहिए फ्री क्लास है अन अकेडमी की ऐप पर होगी जस्ट आपको क्या करना है एनरोल करना है इस तरीके से दिखेगी बेटा जब आप देख खोलेंगे इसको तो इट विल अपियर लाइक दिस जस्ट बेटा एनरोल एनरोल का बटन आएगा उस बटन पर दबा देना ठीक है जी जिसके पास ऐप नहीं है वो ऐप को डाउनलोड कर लें ठीक है बाकी एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है यार ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर तक है अगर आप फोर मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वन मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है कोड क्या लगाने पर बेटा सीप्लाइव कोड लगाना मेरे साथ में मेंटोरशिप भी रहेगी प्लस और आइकॉनिक बेटा अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट और थर्टी परसेंट ऑफ पे चल रहे हैं ठीक है चीके? और मेरा नया बैच भी ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर को आ रहा है बैच तो हमने अभी लॉन्च कर दिया लेकिन बेटा प्लस पे बैच जिसमें आपको साथ में गाइडेंस साथ में बेटा डीपीपी साथ में क्लासेस साथ में प्रैक्टिस पेपर साथ में डाउट सॉल्विंग साथ में मॉक टेस्ट ये सब बेटा के लिए आपको प्लस ज्वाइन करना पड़ेगा और कोड बेटा आप क्या लगाएंगे सी अमेजिंग टीम बेटा वहां भी तुमको मिल रही है तुम तो मेरी फोटो देख रहे हो मैं अपने हर बच्चे का पूरा भरपूर साथ देना चाहूंगी नो no मैटर आप कहा भी पढ़ते हैं प्लस में पढ़ते हैं कहीं और पढ़ते हैं यूट्यूब से पढ़ते हैं मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि मैं आज एक एवरेज बच्चे को ज एवरेज से एक टॉपर्स के नजदीक लेकर जा पाऊं मैं ये नहीं कहती कि मैं चार महीने में तुम्हें एम्स में पहुंचा दूंगी बेटा वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो पॉसिबल ही नहीं है अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो लेकिन मैं बता रही हूँ अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो आप मेरे साथ जुड़े रहोगे आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा मैं सिलेक्शन करवा सकती हूँ छह से ऊपर नंबर लेके जा सकती हूँ रैंक तो किस्मत होती है रैंक तो यार तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है पिछले कर्म अच्छे किए डेढ़ साल पढ़ाई की है तो रैंक अच्छा आएगा अगर कर्म अच्छे नहीं भी किए तो सिलेक्शन के लिए बेटा दिस इज गोइंग तो टू बी द क्लास फॉर यू बाकी अन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर है बेटा वहां पर जाकर भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं आई विल सी यू टूडे एट फाइव पी एम मेक श्योर दैट यू एनरोल एंड डू लीव अ कॉमेंट बिलो एंड सेशन को बेटा लाइक करना भरपूर प्यार देना आप मेरे साथ जुड़े रहे हो मैं बेटा हर कोशिश वो करूंगी जिससे आपके मार्क्स टू द पॉइंट आते रहे और जो होमवर्क है पांच बजे तक का बेटा होमवर्क नोट कर लो होमवर्क है आपको पांच बजे से पहले जितना कराया है उसकी एनसीआरटी पढ़नी है एनसीआरटी रीड आपको करनी ही करनी है ठीक है यू हैव टू मेक श्योर दैट यू विल रीड एन और ये करके आना पांच बजे ठीक है ये करके आना और आप मुझे बताएंगे आपको कितनी सरल लगी इसकी एनसीआर कितनी इजी लगी इसकी एनसीआर ओके बच्चों चलिए मिलते हैं बेटा शाम को पांच बजे थैंक यू सो मच गाइस टेक केयर